किताब दुख ये मां पुत लेखक प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी सोहन सिंह सीतल आवाज भाई गुरजंड सिंह रूपवाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुढ़ली बेनती, जदों मैं सिख राज किवें गया लिख रहा सा उदों ही मेरे दिल विच ये दुखीए मां पुत पुस्तक लिखण दे विचार पैदा होए। ज्यों ज्यों मैं महाराणी जिंद कौर ते उस दे इको एक पुत्र महाराजा दलीप सिंह दे हाल खोजदा गया, मेरा दिल अथाह पीड़ नाल भरदा गया। दुनिया उत्ते कई निभागे होए हन, दुखी तो दुखी ते कंगाल तो कंगाल, पर इन्हां दोहां दी मिसाल नहीं मिलेगी। दुनिया भर विचों बहादुर कौम ते जगत प्रसिद्ध बादशाह महाराजा रणजीत सिंह दी पटराणी जिंद कौरां नूं एक रोटी बदले तरले लैणे पए ते उम्र दा चंगा हिस्सा जेल दीआं काल कोठड़ियां विच कट्टणा पिया। मर के भी दुश्मणां दे दिलों उस दा वैर ना गया, उहदी लोथ नूं भी कई महीने परदेस विच रुलना पिया। उस दे सिवे दी भभूती भी अपनी जन्म भूमि नूं तरसदी रह गई। होर कोई नहीं होया जिस नाल इस निरदई दुनिया ने इन्ना वैर कमाया हो। दूजा महाराजा दलीप सिंह जो बिना किसी गुनाह दे आदम वांग बहिश्त विचों कढ दिता गया। सारी उम्र विच उन्हें इको पाप कीता सी इह कि उन्हें एक भले मानस ते बलवान गुआंढी दे जराने उत्ते भरोसा कर लिया सी। इस दा फल उन्हूं राज भाग त्याग के उम्र भर दे दुख कलेश ते झोरे खरीदने पए। अनोखा वपारी सी ओ जिसने किस्मत दे के बद किस्मती वटा ली सी। कोहे नूर पहनण वाला ते हीरे मोती दान करन वाला एक दिन मास्को रूस दे बाजारां विच भिखिया मंगदा फिरदा सी। भागां भरे पंजाब दा मालक अंत रोटी नूं तरसदा मर गया, उस नूं जिउंदे जी कदे सुख नसीब नहीं होया। इस पुस्तक दा पहला कांड बड़े थोड़े शब्दां विच लिखिया गया है ते मोटियां मोटियां गल्लां ही कहियां गईयां हन, क्योंकि सिख राज किवें गया उस पुस्तक विच सारे हाल बड़े खुल के लिखे गए हन। चंगा होवे जे पाठक ये पुस्तक दुखीए मां पुत पढ़न तो पहला सिख राज किवें गया पढ़ लैण, इस नाल इस दा पहला कांड सौखा समझिया जा सकेगा। जिन्हां किताबां दी सहायता नाल ये पुस्तक लिखी है मैं उन्हां दे लिखारियां दा धन्नवादी हाँ। सोहन सिंह सीतल 5 अप्रैल 1946 कादीविंड कसूर हुण सीतल भवन माडल ग्राम लुधियाना पंजाब। पहला कांड महाराणी जिंदा। महाराणी जिंद कौर घोड़ सवार सरदार मन्ना सिंह औलख जट पिंड चाहड़ तहसील जफरवाल जिला सियालकोट दे रहण वाले दी छोटी लड़की सी। मन्ना सिंह सरदार दे मैली आई बहार जम्मी देवी सुरग दी रूप जिंदा दा धार पट पंगूड़े झूट दी होई जद मुटियार चर्चा उहदे रूप दी पहुंची सिख दरबार मोहिया मन रणजीत दा उहदे रूप अपार व्याही राणी आखरी रत्ना नाल शिंगार पुजन तुल न उसदे हीरे लाल जवाहर कुदरत राणी उसते तुठी कृपा धार बख्शिया लाल दलीप सिंह महलां दा सरदार किस्मत नाल व्यंग दे हसी मूँह पसार रोलांगी परदेस मैं ए लालां दा हार सीतल हारन लेख जा फुल बन अंग्यार। ए शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी सब तो छोटी राणी सी। सुंदरता सुभा ते समझ दा सदका इन्हें महाराजे दे जीवन विच अपने वास्ते चंगा थां बना लिया सी। इस तों पिछों शेरे पंजाब ने होर विआह नहीं करवाया। चंगे रूप सुगड़ता सियाणप नाल इन्हें स्वामी दा दिल मोह लिया सी। महाराजे ने रीझ के इस नूं महाराणी दी पदवी ते महबूबा प्यारी दा खिताब दिता। पल भर वास्ते भी महाराज इस दा विछोड़ा नहीं सन सह सकदे। ये दिन जिंदा वास्ते जीवन विच सब नालों खुशी दे सन। दलीप सिंह दा जन्म। वाहिगुरु ने भाग लाया ते जिंद कौर एक पुत्र दी मां बनी। 4 सितंबर 1838 नूं इस दी कुखों बाल ने जन्म लिया जिस दा नाम शेरे पंजाब ने कंवर दलीप सिंह रख्या। खुशी दे वाजे वजे वधाइयां नाल महल गूंज उठे ते पुन दान नाल
अनेकां गरीबां नूं माला माल कर दिता। दलीप सिंह दा मुहांदरा अपनी मां नाल मिलदा जुलदा सी। अपनी महबूबा दी गोद विच ओह हसदे बाल रूप नूं वेख के तां महाराजे दा दिल खुशी नाल भर उछलदा। इस वेले सब पासे खुशियां ही खुशियां सन। शेरे पंजाब तों पिछों छेती ही खुशियां ने गमियां दा रूप धारण कर लिया। शेरे पंजाब कई महीने बीमार रह के पूर्णमासी दे दिन वीरवार 15 हाड़ 1896 बिक्रमी 27 जून 1839 ईस्वी नूं गुरपुरी सिधार गए। मोया शेर पंजाब दा धा जिंदा मारी उहदे भादी उल्ट गई। अज दुनिया सारी तख्तों धरती टै पई वह राज दुलारी। मैली बसदी मौत ने ना वेख सहारी सुरग साड़िया उसदा सुट के अंगियारी। कखों हौली हो गई लालां तों भारी छाती घुट दलीप नूं ओ इउं पुकारी। तेरे बदले जीवांगी मां सदके वारी। दिन दीवी जिंद कौर दे भा दा हनेरा पै गया। दुनिया दे सारे सुख ते चा सुहाग दे नाल ही जांदे रहे। दलीप सिंह उस दिन 9 महीने ते 24 दिन दा सी। पंजाब दा शेर अंतम सेजा ते लटाया गया। टिक्का खड़क सिंह पिता दी चिखा नूं लांबू लाउण वास्ते तैयार खलोता सी। 11 राणियां अपने स्वामी नाल सती होण वास्ते चिखा विच बैठियां सन। इह समां जिंदां वास्ते सब तों औखा सी। जिस नूं सारियां राणियां नालों स्वामी वध प्यार करदा सी, जिस नूं सदा प्राण प्यारी महबूबा कह के बुलाउंदा सी, जिस नूं वेख्या बिना एक पल नहीं रह सकदा सी, जिस नूं प्राप्त करके वह सारी दुनिया के हुसन नूं भुल गया सी कि वह जिंदा यह सहार लवेगी कि होर राणियां महाराजे नाल सती हो जाण ते वह रंडेपे दे भार थले दब दब के मरन वास्ते रह जावे। उहदी छाती पाड़ के दिल बाहर निकल नूं करदा सी, पर जदों उचिखा विच छाल मारन वास्ते अगे वधदी उहदी गोद विच मुस्करा रिहा 9-10 महीने दा दलीप सिंह उहनूं हिलण ना दिंदा। उस घड़ी जिंद कौर दा दिल मौत ते जिंदगी दे घोल दा अखाड़ा बन रिहा सी। वह मरना चाहुंदी सी पर पैरां दीआं जंजीरां बालक दलीप सिंह उहदी पेश नहीं सन जाण दिंदियां। हजारों मुश्किलों में एक मुश्किल सख्त जे भी है तमन्ना मौत की है और मर जाना नहीं आता। उन्हें लंबा होका लिया पुत्र नूं घुट के हिक नाल लाया ते कहा दलीप मैं तेरे बदले जीवांगी। पुत्र दीआं खुशियां बदले जिंदा ने रंडेपे दे दुख झलणे प्रवान कर ले। शेरे पंजाब दे अखां मीटण दी ढिल सी जां सिख राज दी दुपहर ढलणी शुरू हो गई। सिखां दी जिस तलवार तों काबल कंधार पए कंबदे सन उह आपस विच खड़कण लग पई। कई महाराजे सहजादे ते वजीर अपने हथों कतल हो गए। महाराजा रणजीत सिंह दे पिछों महाराजा खड़क सिंह तख्त ते बैठा जो 3 महीने 11 दिन राज करन पिछों मंगलवार 8 अक्टूबर 1839 ईस्वी नूं डोगरा भरावां हथों तख्तों लाया गया। जम्मू दे डोगरे भरा राजा गुलाब सिंह, राजा ध्यान सिंह अते राजा सुचेत सिंह। राजा ध्यान सिंह दी कैद विच वो 1 साल ते 28 दिन रहा ते अंत जहर दे के वीरवार 5 नवंबर 1840 ईस्वी नूं मारिया गया। इसे ही दिन महाराजा खड़क सिंह दा इको एक पुत्र कंवर नौ निहाल सिंह जो 8 अक्टूबर 1839 ईस्वी तो 5 नवंबर 1840 ईस्वी तक सिखां दा महाराजा रहा भी डोगरियां हथों मारिया गया। फिर कंवर नौ निहाल सिंह दी माता महाराणी चंद कौर 2 महीने 9 दिन राज करदी रही। उस तो पिछों कंवर शेर सिंह महाराजा बन के तख्त ते बैठा जो 2 साल 7 महीने ते 27 दिन राज करन पिछों 15 सितंबर 1843 में संधा वालियां हथों कतल होया। इसे ही दिन संधा वालियां सरदार लहणा सिंह ते अजीत सिंह ने किले विच राजा ध्यान सिंह वजीर नूं कतल कर दिता। ज्ञानी गुरमुख सिंह दे हथी ध्यान सिंह दे लहू नाल दलीप सिंह नूं अराज तिलक दिता गया। दलीप सिंह उस दिन 5 साल ते 11 दिन दा सी। अगले ही दिन ध्यान सिंह दे पुत्र राजा हीरा सिंह ने अपने पिता दा बदला लै लिया। खालसा फौजां दी मदद नाल
उसने संधा वालिए लहणा सिंह अजीत सिंह नूं कतल कर दिता ते आप पंजाब दी वजारत संभाली। विरोधियों नूं चंगी तरह दबा के राजा हीरा सिंह ने 18 सितंबर 1843 ईस्वी नूं एक वड्डा दरबार किया जिस विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे सब तो छोटे पुत्र दलीप सिंह दी ताजपोशी दी रसम अदा कीती गई। भाव दलीप सिंह दे महाराजा ते हीरा सिंह दे वजीर होण दा ऐलान कीता गया। ना जिंद कौरां नूं ते ना ही उसदे भरा जवाहर सिंह नूं मंजूर सी कि हीरा सिंह वजीर बने। सो सरदार जवाहर सिंह ने अपनी ताकत वधाउण वास्ते हाथ पैर मारने आरंभ कर दिते। एक दिन वह बालक महाराजा दलीप सिंह नूं नाल लैके फौजां विच गया ते कहण लगा, राजा हीरा सिंह महाराजा दलीप सिंह ते इसकी माता जिंद कौर नूं बड़ा तंग करता है, जे तुसीं इन्हां दी मदद ना करोगे तां मैं इस नूं अंग्रेजां कोल लै जावांगा। उसने तां आपणे वल्लों इह धमकी दित्ती सी कि इस गल्लों डर के फौजां उसकी मदद करनगियां, पर उसनूं इह धमकी उल्टी पई क्योंकि हीरा सिंह ने यह गल फौजां विच पहलां ही धमा छड्डी सी कि सरदार जवाहर सिंह महाराजा दलीप सिंह नूं अंग्रेजां कोल वेचना चाहुंदा है। सो फौजां ने जवाहर सिंह नूं गिरफ्तार करके हीरा सिंह दे हवाले कर दिता ते मगरले ने पहले नूं कैद कर दिता। पर थोड़े ही चिर पिछों महाराणी जिंद कौर ने फौज विच अपना रसूख पैदा करके अपने भरा नूं छुड़ा लिया। हीरा सिंह ने 7 मई 1844 ईस्वी नूं शेरे पंजाब दे पुत्र कंवर कश्मीरा सिंह, अतर सिंह संधेवालिया ते नरंगे बादीए संत बीर सिंह नूं कतल कर दिता। इन्नी ही दिनी जल्ला पंडित ने महाराणी जिंद कौर नूं जहर देण दी साजिश कीती जो नेपरे ना चढ़ी। इन्हां कारणां तों खालसा फौजां भड़क उठियां ते उन्हां ने राजा हीरा सिंह नूं सने साथियां जल्ला पंडित मियाँ सोहन सिंह, मियाँ लाभ सिंह आदि 21 दसंबर 1844 नूं कतल कर दिता। जल्ले ने यह भी षडयंत्र रचिया सी कि दलीप सिंह नूं तख्तों उतार के शेर सिंह दे पुत्र शिवदेव सिंह नूं तख्त ते बिठा दिता जावे, पर जिंदा ने यह सारियां चालां निसफल कर दित्तियां। विचारा पंडित दिल दियां दिल विच ही लै के तुर गया। हीरा सिंह दे मरण ते जिंद कौर दा भरा जवाहर सिंह वजीर बनिया। उसने शेरे पंजाब दे पुत्र पछौरा सिंह नूं 30 अगस्त 1845 नूं कतल करा दिता। इस गल तों खालसा फौजां बड़ियां नाराज़ हो गईआं। 21 सितंबर 1845 ईस्वी नूं फौजां ने सरदार जवाहर सिंह नूं महाराणी जिंद कौर ते दलीप सिंह दे सामने कतल कीता। जिंदा सरप्रस्त हुण वजीर कोई ना बने राजा गुलाब सिंह नूं कहा, पर उसने ना कर दित्ती। फिर होर एक दो सिर कढ दे सरदारां नूं आखिया, पर हां किसे ना कीती। अंत सब काम काज महाराणी जिंद कौर ने अपने हाथ विच लै लिया। वह बालक महाराजे की प्रतपालका सरप्रस्त बनी ते दीवान दीनानाथ, भाई राम सिंह, मिसर लाल सिंह आदि सभा बना के उसकी सहायता नाल राज करन लगी। जिंदा बारे लेडी लागन अपनी किताब के पन्ना 106 ते लिखती है, महाराणी जिंदा अपने पुत्र की बालक अवस्था विच उसकी प्रतपालका थापी गई। वह लायक ते पक्के इरादे वाली इस्त्री सी, जिसका पंचायतों में बड़ा असर सी। वह बड़ी नीति नूं समझण वाली, शासन करन वाली ते वड्डे हौसले वाली इस्त्री सी। लाल सिंह ते तेज सिंह, लाल सिंह ते तेज सिंह ताकत हासिल करनी चाहुंदे सन, पर खालसा फौजां नूं काबू विच रखण दी शक्ति किसे विच भी नहीं सी। अंत दोहां नूं इह तजवीज़ सुझी कि अंग्रेजी सरकार नाल मिलके खालसा फौजां नूं तबाह कर दिता जावे। अंग्रेज़ कर्मचारियां दीआं नित दीआं वधीकियां तों खालसा फौजां चिड़ियां बैठियां सन। सो कई सच्चियां झूठियां होर ला के लाल सिंह दे धड़े ने फौजां नूं भड़का दिता। अंत 17 सितंबर 1845 ईस्वी नूं सरकार अंग्रेजी दे विरुद्ध जंग दा ऐलान कर दिता। महाराणी जिंद कौर ते शाम सिंह अटारी दा धड़ा यह लड़ाई छेड़न दे विरुद्ध सी, पर वह लड़ाई टाल ना सके। सतलुज युद्ध, अंत सतलुज दे कंढे 5 घमसाण दीआं लड़ाईआं होईआं ते खालसा फौजां अपने देश धरोही जरनैलां
लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह आदि बेईमानी का सदका हार गई। कुल घातियां की खोटी करतूत का पता जिंद कौर नूं उदों लगा जदों सभरावां दे मैदान विच सब कुछ नष्ट हो गया। जिंदा सिर झूठे इल्जाम। मिसर लाल सिंह ते तेज सिंह ने अपनी कौम गदारी दे उलांभे महाराणी जिंद कौर दे सिर मड़े, उन्हूं बदनाम करन च कोई कसर ना छड़ी। उदों दियां उड़ाईयां गईयां झूठियां अफवाहां अजे तक अनपढ़ ते इतिहास तों अणजाण लोकां विच प्रचलित हन। अखे महाराणी जिंद कौर ने खालसा फौजां नूं भड़का के अंग्रेजां नाल लड़ाई कराई। उसने अंग्रेजां नूं चिट्ठियां लिखियां ते सभरावां दे मैदान विच बारूद दी थां सरों दीआं बोरियां कर दित्तियां, जिस वास्ते सिख हार गए। विचार करन तों इह सारीआं गल्लां झूठियां सिद्ध हुंदीआं हन। जिंद कौर इह लड़ाई छेड़न दे विरुद्ध सी। अंग्रेज कर्मचारियां ने आप सिखां नूं मजबूर कीता सी कि वह उन्हां नाल लड़न ते रहिंदी कसर पंजाब दे देश द्रोही सरदारां ने पूरी कीती सी। अंग्रेजां नूं चिट्ठियां लिखण वाले मिसर लाल सिंह, तेज सिंह ते राजा गुलाब सिंह सन, जिन्हां दे हवाले पंजाब दे सरकारी कागजां तों अंग्रेज लिखारियां दीआं किताबां विचों मिलदे हन। जिंद कौर दी लिखी हुई कोई चिट्ठी इस मतलब दी कितों नहीं मिलदी। बाकी गल रही बारूद दी थां सरों भेजण दी, इह करतूत तेज सिंह दी सी, सो इह सारे इल्जाम जिंद कौर सिर झूठे थोपे गए। अंग्रेज सिख राज विच 10 फरवरी 1846 ईस्वी नूं सभरावां दे मैदान विच सिख हारे ते 12 फरवरी नूं जेतू अंग्रेज कसूर आ बैठे। 18 फरवरी नूं राजा गुलाब सिंह बालक दलीप सिंह नूं नाल लै के लार्ड हार्डिंग नूं ललियाणी आ मिलिया। मोटियां मोटियां शर्तां दा जुबानी फैसला होया। अंत 20 फरवरी नूं अंग्रेज लाहौर जा पुजे। 26 फरवरी नूं हार्डिंग ने लाहौर विच एक आम दरबार किया। अंग्रेज कर्मचारी सज्जे हाथ ते सिख सरदार खब्बे हाथ बैठे। बालक महाराजा दलीप सिंह नूं राज सिंघासन ते बिठाया गया। रंग ढंग तों इह प्रगट किया गया कि अंग्रेजां ने दलीप सिंह नूं राज पिछिया वजों दिता है। हार्डिंग ने महाराजा दलीप सिंह दे मातहित मिसर लाल सिंह दे वजीर ते तेजा सिंह दे सेनापति होण दा ऐलान किया। हार्डिंग ने कोहे नूर हीरा वेखण वास्ते मंगिया जो गुलाब सिंह ने लिया के दिता। अपने हथी हार्डिंग ने सारे अंग्रेज अफसरां नूं ओह विखाया ते फिर महाराजा दलीप सिंह दे डौले ते बन्न दिता। पहली सुलाह 9 मार्च 1846 ईस्वी नूं अंग्रेजी सरकार दी लाहौर दरबार नाल पहली सुलाह हुई। जिस राही सतलुज ब्यास दे विचला इलाका दुआबा जलंधर ते 1.5 करोड़ रुपया हरजाने वजों लिया गया। रुपए विचों 50 लाख नगद ते 1 करोड़ विच जम्मू ते कश्मीर लै के गुलाब सिंह डोगरे नूं दे के बखरा महाराजा बना दिता। 11 मार्च नूं कुछ शर्तां होर वधाईयां गईयां जिन्हां राही कुछ अंग्रेजी फौज 1 साल वास्ते लाहौर रखी गई। लाल सिंह नूं देश निकाला। हुण पंजाब पहलां वर्गा नहीं रहा सी। देश नाल इन्ना घात करके लाल सिंह ने इस नाम तरीक राज दी वजारत संभाली, पर वह भी बहुता चिर ना रख सकिया। गुलाब सिंह जम्मू के विरुद्ध साजिश करन दे गुनाह विच 3 दसंबर 1846 ईस्वी नूं पंजाब दी वजारत तों हटा के 2000 महावार पेंशन दे के लाल सिंह नूं बनारस विच नज़रबंद कर दिता गया। भरोवाल दी सुलाह। थोड़े ही चिर पिछों लार्ड हार्डिंग वालों 16 दसंबर 1846 ईस्वी नूं भरोवाल दा ऐदनामा बदोबदी दलीप सिंह दे सिर मड़िया गया। इस ऐदनामे दीआं 11 शर्तां सन, जिन्हां विचों कुछ ये हन। नंबर 2, गवर्नर जनरल वालों थापिया होया एक अंग्रेज अफसर सने अपने मात हितां दे लाहौर रहेगा ते उस अफसर नूं राज दे हर महकमे ते हर तरह दे काम विच पूरे पूरे ते सीधे अख्तियार होणगे। नंबर 4, कौंसल बनेगी। कौंसल दे मैंबर वड्डे वड्डे सरदार होणगे जो हर तरह अंग्रेजी रेजिडेंट ते मात हित होणगे। नंबर 5, हेठ लिखे सरदार कौंसल दे मैंबर होणगे। सरदार तेज सिंह, राजा शेर सिंह अटारी वाला,
दीवान दीनानाथ, फकीर नूरदीन, सरदार रणजोत सिंह मजीठा, भाई निधान सिंह, सरदार अतर सिंह कालियांवाला ते शमशेर सिंह संधावालिया। गवर्नर जनरल दे बनाए हुए रेजिडेंट की मर्जी तो बिना इन्हां थापे हुए नामजद मैंबरां विच कोई तब्दीली नहीं होवेगी। नंबर 7, एक अंग्रेजी फौज जिन्नी गवर्नर जनरल ठीक समझे लाहौर रहेगी। नंबर 10, महाराजा दलीप सिंह की माता महाराणी जिंद कौर नूं उसदे ते उसदे नौकरां दे गुजारे वास्ते 1.5 लाख रुपया सालाना दिता जाया करेगा। इस रुपए नूं खर्चण दा महाराणी नूं पूरा अख्तियार होवेगा। नंबर 11, 4 सितंबर 1854 ईस्वी नूं जद महाराजा 14 साल का हो जाएगा कि ऐदनामा मुक जाएगा। भरोवाल की सुलह ते जिंदा बड़े रासी ढंग नाल पंजाब दे सरदारां नूं पलोस के हार्डिंग दे एजेंट करी ने यह ऐदनामा तोड़ चढ़ाया। महाराणी जिंद कौर, दीवान दीनानाथ ते होर कई सरदार इस दे उल्ट सन। जिस वेले हार्डिंग दे हत्थां ते चढ़े हुए तेज सिंह दे आदमी इस नवें ऐदनामे दे हक विच कुछ सरदारां नूं कर रहे सन, उदों महाराणी ते दीवान दीनानाथ नवां राज प्रबंध अपने हत्थां विच लैण वास्ते, जिस विच अंग्रेजी सरकार दा कोई हाथ ना होवे, सरदारां नूं इकट्ठा करन लई सारा जोर ला रहे सन। पर करी वल्लों जाण बुझ के ऐदनामे दे वेले महाराणी नूं दूर रखिया गया। दीनानाथ ने कहा सी कि महाराणी की सलाह ली जावे, पर करी ने उन्हूं झाड़ पाउंदियां कहा, गवर्नर जनरल महाराणी की सलाह नहीं पुछ रहा, राज दे सरदारां ते थम्मां की सलाह पुछ रहा है। लारेंस रेजीडेंट मुकदी गल, ऐदनामा भरोवाल हो गया। हुण पंजाब दा असली हाकम गवर्नर जनरल दा थापिया होया रेजीडेंट हैनरी लारेंस सी ते जिंद कौर 1.5 लाख सालाना पेंशन दे के राज दे सारे कम्मां तों वक्ख कर दित्ती गई सी। हार्डिंग जिंदा दे विरुद्ध बाकी सब कम ठीक चल रहा सी। पंजाब दे सरदार रेजीडेंट दे इशारे ते कठ पुतलियां वांग नच रहे सन, पर गवर्नर जनरल हार्डिंग ते रेजीडेंट लारेंस दे दिल विच महाराणी जिंद कौर दी होंद कंडे वांग रड़क रही सी। इह गल हार्डिंग दीयां चिट्ठियां तों साफ सिद्ध है। 7 दसंबर 1846 ईस्वी नूं हार्डिंग करी नूं लिखदा है, साढ़े लाहौर विच कब्जा जारी रखण दे किसी भी ऐदनामे विच इह शर्त होनी जरूरी है कि महाराणी दे हथ विच कोई ताकत ना रहे। 10 दसंबर नूं फिर लिखदा है, मैनू नहीं पता कि किस बकायदा रस्म अनुसार राणी कार मुख्तियार बनी है। मेरा अनुभव है कि वह महाराजे की माता ते प्रतपालका गार्डन होण दी कुदरती ते अणपुछी हैसीयत विच कार मुख्तियार बनी हुई है। जे सरदार ते रसूख वाले हाकम, खास करके अटारी वाले सरदार महाराजे दे छोटी उम्र दे दिनां विच सरकार अंग्रेजी नूं उस दे सरप्रस्त बनण लई प्रेरणा भरी बेनती करन, तां चुप चपीते ही राणी दी ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि यह गल साफ तौर ते लिखत विच लियांदी जाएगी कि नौजवान महाराजे दे सरप्रस्त दी हैसीयत विच अते राज प्रबंध करन लई महाराजे की तरफों कार मुख्तियारी दे सारे अख्तियार ते काम सरकार अंग्रेजी दे हत्थां विच होने हन। यह तो होई अख्तियार खोण की गल, अगे होर सुनो। 16 दसंबर 1846 ईस्वी 3 बजे लोडे वेले की चिट्ठी विच हार्डिंग करी नूं लिखदा है, जे कोई गल बहस वाली है तां ओह है राणी नूं बिले लाउणा। असीं इस गल ते सहमत हाँ ते इह गल बिल्कुल योग है कि राणी दे हाथ विच कार मुख्तियार दी हैसीयत विच कोई ताकत ना रहे। उस दी रहायश दी थां दा फैसला करन वेले नवें राज प्रबंध दे विरुद्ध राणी वल्लों होण वालियां राजसी साजिशां दे आधार ते उस नूं उहदे पुत्तर तों वक्खरा कर देण दे विरुद्ध इतराज़ हो सकदा है, क्योंकि इह आखिया जा सकदा है ते लोकां दी इस नाल हमदर्दी भी हो जाएगी कि राणी नूं उस वल्लों होए किसे राजसी गुनाह तों पहलां ही सज़ा दित्ती गई है। मेरा ख्याल है उह पंजाब विच किसी होर थां नालों लाहौर विच घट खतरनाक होवेगी। जे उह कुछ औखियां करन लग पवे ते उस नूं देश निकाला देना योग हो जाए तां जरूर उस नूं सतलुजों पार भेज दिता जाए।
ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਦਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਦਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਸੀ? ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਦੇ 15 ਕਦੇ 20 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਿਤ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 50 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਵਕ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1-1 ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸਰਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਆ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸਾਂਸ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 1847 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰੋਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਉਣ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ 2,00,000 ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ
कि हुण इस गल दी चर्चा करनी बेअर्थ है। कारण यह है कि मनुख दी जिहो जी हालत हो जावे वह उस अनुसार अपने दिहाड़े कट लैंदा है। फिर इस गल दे जानण दा की भाव कि उहदा जीवन किस ढंग दा बीत रहा है, क्योंकि यह राज प्रबंध महाराजा दे जवान होण तक राज दे भले वास्ते कीता गया है, इसलिए मैं इस विच प्रसन्न हाँ। सरदारां नूं एकांत विच मिलण ते सलाह करन बारे असली गल यह है कि मैं केवल दो सरदारां नूं बुला के सलाह कीती सी। एक बार अमृतसर तों लाहौर आउण वेले मैं उहनां नूं इह सलाह दित्ती सी कि परमे दे लाहौर आउण विच कोई भलाई नहीं, ते दूजी बार महाराजा दे निजी खर्च बारे कुछ सलाह करन लई मैं उहनां नूं सद्या सी। इस तों बिना मैं कदे कदे सरदार तेज सिंह ते दीवान दीना नाथ नूं सद लैंदी हाँ। अगों आपदी सलाह अनुसार पांच छे सरदारां नूं सद्या करांगी। मेरे अधीन चार पांच विश्वासी नौकर हन, मैं उहनां नूं नहीं छड्डांगी। उस दिन मुलाकात करन वेले मैं आप जी नूं भी आख दिता सी कि इन्हां लोकां तों बिना मैनूं होर किसे नाल मिलण दी लोड़ नहीं। आप ने पंजाब ब्राह्मणां नूं भोजन छकाउण ते उन्हां दे पैर धोण बारे लिखिया है। इस दी बाबत मैं इन्ना ही आखना है कि शास्त्र दी रीति अनुसार यह एक मामूली काम है। इस महीने ते इस तों पहले महीने विच मैं यह काम कीता सी, पर जिस दिन तों आप जी दी चिट्ठी मिली है उस दिन तों मैं यह काम छड्ड दिता है। अगों लई मैं आप दे नियत कीते समयां ते ही पुन दान करिया करांगा। परम मंडल दे ब्रह्म भोजन बारे भी इहो आखना है कि वह बड़ा पवित्र अस्थान कहा जाता है, इसलिए उत्थे ब्राह्मण भेजे गए सन। आप लिखते हो कि पंजाब विच सुख वरतौण दे महाराजा रणजीत सिंह दे परिवार ते साढ़े सन्मान की रक्षा दे वधेरे चाहवान हो। साढ़े सत्कार लई अंग्रेजी सरकार जो कुछ उपा करेगी उस लई असी अंग्रेजां दे धन्नवादी होवांगे। आपने जयपुर जोधपुर ते नेपाल दीआं राजकुमारियां वांग मैनू भी परदे विच रहण वास्ते कहा है। इस दे संबंध विच केवल इन्ना ही आखना है कि वह राजकुमारियां राज दे कम्मां विच कोई हिस्सा नहीं लैंदियां, इसलिए उन्हां दा परदे विच रहना सुखाला है, क्योंकि उन्हां दे राज विच स्वामी भगत राज भगत बुद्धवान ते विश्वासी राज कर्मचारी अपने प्राण ला के भी अपने राज दी भलाई चाहुंदे हन। पर इत्थे जिस राज भगती नाल राज कर्मचारी काम करदे हन आप तो गुझी नहीं है। आप इस गल ते भरोसा रखो कि कोई ओपरा आदमी साडे रणवास विच नहीं आउंदा ते ना ही कोई ओपरा आदमी अगों आवेगा। तां मेरी आप अगे प्रार्थना है कि आप कुछ एहो जिहे इतबारी सरदार नियत कर देवो जिहड़े आप नूं मेरे संबंध विच खबरां देंदे रहन, पर दरबार दा कोई भी सरदार इस काम लई ना लाया जावे। यह वड्डी खुशी दी गल है कि महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजां नाल मित्रता कर गए हन, जिस दा अमृत फल है मैं बालक महाराजा दोवें भोग रहे हाँ। जद कदे लोड़ समझो मैनू सिक्ख्या देण तों ना उकणा। यह चिट्ठी पढ़ के रेजीडेंट नूं अग लग उठी। उहदे दिल विच जिंदा वास्ते वैर भाव होर वध गया। वह उस दीआं सधारण गल्लां चों वी कोई ना कोई साजिश भालण लगा। एक बार महाराणी की सहेली उस वास्ते मुल्तान तो सफेद गन्ना लियाई। रेजीडेंट नूं खुड़की के जिंद कौर मूल राज मुल्तान नाल मिलके अंग्रेजां विरुद्ध कोई साजिश करन लगी है, पर उहदे विच सी की परमे नूं फांसी। इन्नी ही दिनी परमे ने तेज सिंह नूं मारन की साजिश की। रेजीडेंट ने इस विच भी जिंदा का हथ समझिया। मुकदमा लार्ड हार्डिंग तक पुजा। उसने जिंदा नूं निर्दोष मन्निया ते परमे नूं फांसी सजा दित्ती गई। तेज सिंह राजा बनिया। हुण हर गल्ले रेजीडेंट बहाने टोलन लगा जिवें उह महाराणी नूं देश निकाला दे सके, ते बहाना भी छेती मिल गया। 7 अगस्त 1847 ईस्वी नूं रेजीडेंट लारेंस ने एक दरबार किया जिस विच कुछ सरदारां नूं खिताब दित्ते गए। इन्हां विच देश धरोई तेज सिंह भी सी जिस नूं राजे दा खिताब मिलना सी। इह ओहा तेज सिंह है जिस ने लाल सिंह नाल मिल के सतलुज दे कंढे सिखां दीआं बेड़ियां डोबियां सन। भला महाराणी किवें वेख सुखांदी कि पंजाब दे वड्डे वैरी तेज सिंह नूं इह पदवी मिले। उहने महाराजा दलीप सिंह नूं वक्त तों एक घंटा पिछों घल्लिया।
अगे रेजीडेंट ते सारे दरबारी उड़ीक रहे सन। सिख दरबार विच इह रवाज चलिया आउंदा सी कि जिस नूं राजे दी पदवी मिलदी महाराजा आप उस दे मत्थे ते हथीं तिलक लाउंदा। रेजीडेंट ने दलीप सिंह नूं तेज सिंह दे मत्थे ते तिलक लाउण वास्ते कहा, पर उसने इस काम तों ना कर दित्ती। अंत एक ग्रंथी पुरोहित कोलों रसम पूरी कराई गई। इस खुशी विच राती आतिशबाजी चली, पर महाराणी ने दलीप सिंह नूं ना आउण दित्ता। लार्ड हार्डिंग इस घटना नूं इउं बयान करदा है, दलीप सिंह ने अपना काम बड़ी दृढ़ता नाल निभाया। उसने अपने निक्के निक्के हाथ पिछे कर ले ते कुर्सी नाल कंढ ला ली। एक पुरोहित ने यह रसम पूरी की। शाम नूं महाराणी ने महाराजे नूं आतिशबाजी वेखण आउण वास्ते लीड़े ना पाउण दित्ते। मुकदी गल महाराणी नूं उस नूं इस गल लई पक्कियां करदी जा रही सी कि वह सरकार ते अंग्रेजी संबंध की विरोधता करे। मैं लारेंस एल नाल गुप्त चिट्ठी पत्र कर रहा हाँ ते मैनूं इस तों बिना होर कोई उपाय नहीं सुझदा कि महाराणी नूं लाहौरों हटा दिता जावे। छेती जां चराकी ये नौबत आ जाएगी। ज्यों ज्यों वह वड्डा हुंदा है उहदा सरप्रस्त होण दे कारण साडा ये धर्म है कि असी उस नूं महाराणी दियां खोटियां पूरनियां तों बचाईए। महाराजा दलीप सिंह ने तेज सिंह नूं तिलक देणों ना कर दित्ती। जिंद कौर दे विरोधियां नूं उहदे उल्ट बहाना मिल गया ते बहाना ही वह चाहुंदे सन। नहीं तां उस दे देश निकाले दा फैसला तां लार्ड हार्डिंग दसंबर 1846 विच ही कर चुका सी। 7 अगस्त वाली घटना महाराणी दे विरुद्ध मारू हथियार बन के वरती गई। रेजीडेंट नूं हार्डिंग दी चिट्ठी जिंदा विरुद्ध। 16 अगस्त 1847 ईस्वी नूं गवर्नर जनरल ने रेजीडेंट नूं लिखिया, हुण वांग जे महाराणी बालक महाराजे ते अपना पूरा असर पाउंदी रही ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਇਸਤਰੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਵੈਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਐਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਵਾਨਸ ਬੈੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 1847 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੈਦ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 84,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਿਆਈ ਸੁੱਝੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ। ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ
बिक्रमी दे जेठ महीने की मर्यादा विच इउं लिखिया है। इस तेज सिंह नूं तिलक ना देण दा फल यह होया कि इस घटना तो कुछ दिनों पिछों राज महल विचों सब नौकर हटा दिते गए। महाराजा की आत्मा ने उसनूं दस दिता कि कोई औकड़ आउण वाली है। संध्या 18 अगस्त नूं फिर दरबार होया जिस विच महाराजा भी विराजमान सन। लारेंस ने महाराजा नूं घोड़े ते चाढ़ के हवा खाण जाण वास्ते कहा। कविला होण दे कारण महाराजा बड़ा हैरान होए पर उन्हां ये प्रार्थना मान लई। वह गुलाब सिंह अटारी वाले ते होर सरदारां सने शालामार बाग वल चले गए। थोड़े चिर नूं हनेरा हो गया तो महाराजे ने मुड़ना चाहिया। इस विचार नाल उन्हां शहर वल घोड़ा मोड़िया। गुलाब सिंह ने यह आख के रोकिया कि आप शहर मुड़ के साडा नक्क वढ़ाओगे। लारेंस साहब की आग्या है कि मैं आप नाल शालामार जावां। महाराज ने दुख नाल जाना मान लिया। उत्थे पुजे तां बाग विच अपने नौकरां नूं वेख्या ते इह वी डिठा कि रात कट्टण लई सारा समान पिया है। इस ते आप ने रती भी गुस्सा प्रगट नहीं कीता पर प्रसाद ना छकिया। दूजे दिन आप नूं पता लगा कि आपदी माता नज़रबंद करके शेखूपुर भेजी गई है। यह सुन के महाराजे का गम नाल दिल टुट गया क्योंकि आपदा अपनी माता नाल बहुत प्यार सी। लाहौर पुज के आपने अपने पहले निवास अस्थान सम्मन बुरज विच ना रहण दी इच्छा प्रगट कीती ते तख्त गाह दे उपरले कमरिया विच रहण लगे। कुछ दिन मगरों आपदी माता ने आप नूं राजी खुशी का सुनेहा घल्लिया ते आप लई कुछ खिडौने ते मठियाई कली। माता दी राजी खुशी का समाचार पा के आप नूं बड़ी खुशी हुई पर यह सुभाग भी आप नूं मुड़ प्राप्त ना होया। रेजीडेंट की खुशी नाल चिट्ठी पत्र भी बंद कर दिता गया। 19 अगस्त नूं जिंद कौर शेहूपुर पुजी। उसकी राखी का भार सरदार बूढ़ सिंह नूं सौंपिया गया। अगले दिन गवर्नर जनरल का यह ऐलान निकलिया जिंदा की कैद बारे हार्डिंग का ऐलान। लाहौर दरबार के सरदारा धार्मिक आगुआ बजुर्गों ते महाराजा दलीप सिंह दे राज दे वसनीकां दे ज्ञान वास्ते आम ऐलान। लाहौर 20 अगस्त 1847 ईस्वी। लाहौर दरबार ते सरकार अंग्रेजी विच मित्रता होण दे कारण महाराजे दी बालक अवस्था विच उसनूं विद्या देण ते उसदी पालना ते रक्षा करन विच गवर्नर जनरल पिता वर्गा शौक रखदा है। इस कार्ज सिद्धी वास्ते गवर्नर जनरल बड़ा ही जरूरी समझदा है कि महाराजे नूं उसकी माता महाराणी तो अलग कर दिता जाए। इस सलाह विच दरबार ने सर्बसम्मति प्रगट की है। सो 19 अगस्त 1847 ईस्वी नूं महाराणी साहबा ने लाहौर दे राज महल नूं छड्या ते उन्हूं शेखूपुर पहुँचाया गया। यह कदम उठाउण दे हेठ लिखे सबब हन। पहला, भरोवाल की सुलाह वेले यह जरूर समझिया गया सी कि प्रजा की भलाई वास्ते हर तरह के अराजसी कामां दे प्रबंध तो महाराणी नूं अलग रखिया जावे। उस नूं वक्खरा गुजारा दिता गया कि वह अपनी रहिंदी जिंदगी इज्जत नाल गुजार सके। ये सब कुछ हुंदिया होया महाराणी गौरमेंट नूं उल्टाण दीआं चालां चलदी रही ते वजीरां दी इन्नी विरोधता करदी है कि सरकारी कामां विच रुकावटां ते औकड़ा पैदा हुंदियां हन। दूजा, महाराजा अजे बालक है ते वह वड्डा हो के उहो जिहा बनेगा जिहो जिहा उस नूं बनाया जाएगा। सो यह संभव है कि उसकी माता अपने जाति विरोध के कारण सरदारां दे विरुद्ध उहदे मन विच जहर भरदी रहेगी। राज दे वजीरां ते सरदारां दी विरोधता दी सिक्ख्या उस नूं दित्ती जाएगी ते अजिही सिक्ख्या दी कदे आग्या नहीं दित्ती जा सकदी। महाराजे दी सिक्ख्या मन दी उचाई कुदरती विद्या ते इनसानी गुणा दे आधार ते होनी चाहीदी है तां कि इस ऐदनामे दे मुक्कण उत्ते महाराजे ते उस दी प्रजा दी हर श्रेणी विच अमन बहाली रह सके ते उह इक दूजे नूं मेहरबान समझण। अमन एक रब्बी दात है पर जे महाराजा अपनी मां कोल रहा तां उस दी आस नहीं रखी जा सकदी। तीजा, जदों तक महाराणी लाहौर दे राज महल विच है उपरे बंदे बिना रुकावट उस नूं मिल सकदे ने ते हर एक फसादी जो होण वाले प्रबंध ते खुश नहीं महाराणी नूं राज दा सरताज समझदा है ते विचों कईआं ने तां
खालसा सरकार नूं उल्ट देण दे वी जतन कीते हन। पंजाब राज दे हर सज्जन नूं खुश होना चाहीदा है कि गवर्नर जनरल हिंद जनता दे अमन मुल्क दी राखी सरकार दी स्थिरता महाराजे ते उस दे वजीरां दी इज्जत बहार रखण दा दिलों चाहवान है। 9 साल दे बच्चे नूं उस दी मां तों विछोड़ दिता गया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी महबूबा जिंद कौर नूं शेखूपुरे दे किले विच मामूली कैदियां वांग बंद कर दिता गया। उस दी पेंशन परोवाल दी सुलह दे उल्ट घटा दिती गई। उस नूं अपने पुत्तर नूं सुख सुनेहा घल्लणों वी बंद कर दिता गया। ये कुछ उस हैनरी लारेंस ते लार्ड हार्डिंग ने किया जिन्हां नूं नेक दिल चंगे भले पुरश ते नरम सुभा दे कहा जाता है। ते अगों तां अफसर भी दोवें सख्त आ गए। वेखिए फिर महाराणी नाल की सलूक हुंदा है। नवें हाकम करी ते डलहौजी गवर्नर जनरल हैनरी हार्डिंग की थां मार्कुइस ऑफ डलहौजी 12 जनवरी 1848 ईस्वी नूं कलकत्ते आया ते 21 जनवरी नूं दफ्तर सांभिया। रेजिडेंट हैनरी लारेंस की थां फ्रेंडरिक करी 6 मार्च 1848 ईस्वी नूं लाहौर पुज्जा ते 9 मार्च नूं दफ्तर दा काम संभालिया। हुण जिंदा दे दुख होर भी वध गए। साहिब सिंह रेजिडेंट नूं शक पिया कि मिसर लाल सिंह दा वकील साहिब सिंह चोरी महाराणी नूं मिलदा है। उसने चिट्ठी राही महाराणी नूं बड़ी ताड़ना कीती ते साहिब सिंह नूं भी डांटिया कि जे फिर वह शेखूपुरे के नेड़े वेख्या गया तो सज़ा दिती जाएगी। थोड़े दिनों पिछों ये अफवाह उड़ी कि महाराणी ने एक फकीर कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को भेजा है ते एक लाहौर विच महाराजा दलीप सिंह को, पर पड़ताल करते कितों कोई सुंदक ना निकली। झूठी अफवाह के आधार पर ही महाराणी की कैद सख्त कर दी गई। इन्हीं दिनी ही महाराणी ने अपने नौकरां नूं 60-60 रुपए दीआं बुदकियां इनाम दित्तियां। जदों रेजिडेंट नूं पता लगा तां उहदे गुस्से की हद ना रही। उन्हें बुदकियां वापस करा दित्तियां ते सारे पुराने नौकरां नूं हटा के नवें होर रख लए। दिता होया इनाम वापस कराउणा महाराणी की खुला मखुला हत्तक सी, पर डाढ़े नूं पुछे कौण। नवीआं बंदशां जिहड़े नवें नौकर नौकराणियां रखे गए वह सारे महाराणी के विरोधी रखे गए ते उन्होंने समझा दिता गया कि महाराणी नाल किहो जिहा वर्ताव करना है। रेजिडेंट ने हुक्म दिता कि जिहड़ा नौकर महाराणी कोलों इनाम वजों कुछ लवेगा उसनू सज़ा दिती जाएगी। नाल ही महाराणी नू भी सुनाया गया कि अपनियां खास नौकराणियां तो बिना वह किसी नाल गलबात नहीं कर सकती। जे उसने महाराणी ने किसी नू कोई चिट्ठी पत्थर भेजना होवे ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। 2 ਫਰਵਰੀ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ जीवन सिंह ने लार्ड डलहौजी को प्रार्थना की। महाराणी नहीं जानती कि उस नाल इन्ना कठोर वर्ताव क्यों किया जा रहा है। जे रेजिडेंट नूं किसी षडयंत्र का शक है तो मुकदमा चला के पड़ताल कर ली जाए। महाराणी निर्दोष है, उस नाल राजमाता वाला सलूक किया जाए तो उसनू अपने साख संबंधियों नूं मिलन की खुल दी जाए। रेजिडेंट ने उस दे रखवाले हाकम उस दे वैरी सरदार लाए हैं। कृपा करके किसी नेक अंग्रेज अफसर नूं उसका रखवाला बनाया जाए। डलहौजी का उत्तर इसका उत्तर 18 फरवरी नूं डलहौजी वालों मिलिया। सरकार जीवन सिंह नूं महाराणी का वकील नहीं मानती। उसने जो कुछ कहना होवे रेजिडेंट राही कहे। वाह क्या सोहना उत्तर है। जिस हाकम विरुद्ध महाराणी नूं कोई रोस है उस राही बेनती करे। जीवन सिंह ने फिर यतन करके 23 फरवरी नूं डलहौजी पास फरियाद की। आप अपने बीत चुके मित्र महाराजा रणजीत सिंह दी धर्म पत्नी ते अपने आसरे थले लए हुए बालक महाराजा दलीप सिंह दी माता नाल इंसाफ करो। अगों डलहौजी ने बड़े कौड़े शब्दों विच उत्तर दिता। महाराणी जिंदा ने अपने आप नूं
रणजीत सिंह की विधवा ते वर्तमान महाराजा रणजीत सिंह की माता कह के मेरे पास प्रार्थना की है। इस वास्ते वह मैथों किसी गल की आस ना रखे। मानो रणजीत सिंह की राणी ते दलीप सिंह की माता कह के जिंदा ने वह पाप किया है जिसकी माफ़ी डलहौजी की दरगाह विच बिल्कुल नहीं सी। बेचारा जीवन सिंह टकरा मार के निराश मुड़ आया। मुल्तान बगावत अप्रैल 1848 ईस्वी विच मुल्तान बगावत हो गई। कुछ नाम कट्टे सिपाहियों ने दो अंग्रेज अफसर कतल कर दिते। मूलराज भी बागियों तो डरदा उन्हां नाल मिल गया। रेजीडेंट करी ते डलहौजी ने जान बुझ के उस बगावत नूं ना दबाया जो सहजे सहजे बहुत वध गई। गंगा राम ते कान सिंह नूं फांसी 8 मई 1848 ईस्वी नूं लाहौर दे अंग्रेज अफसरां ते खास करके रेजीडेंट दे विरुद्ध एक साजिश पकड़ी गई जिस दे गुनाह विच महाराणी दे वकील गंगा राम ते एक सिख फौज दे नाम कट्टे कर्नल सरदार कान सिंह नूं फांसी दित्ती गई। इस विच महाराणी दा हाथ भी समझिया गया। महाराणी ने अपने आप नूं निर्दोष दसिया ते कहा कि खुली अदालत विच मुकदमा चला के इस गल दा इंसाफ किया जावे, पर रेजीडेंट कोल महाराणी दे गुनाही होण दा सबूत कोई नहीं सी। इस वास्ते उसने मुकदमा ना चलाया। एक चिट्ठी विच रेजीडेंट गवर्नर जनरल नूं लिखदा है, खुले तौर ते रणजीत सिंह दी विधवा दे मुकदमे दा विचार होना पंजाब दे लोकां नूं चुभेगा। मुकदमा चलाउणा जिस विच महाराणी ने निर्दोष सिद्ध होना सी तां चुभणा सी, पर चुपचाप देश निकाल देना की चुभणा सी, सो हुक्म दे दिता जिंदा नूं देश निकाला। जिंदा दे देश निकाले दे कागज उत्ते कौंसल दे तीन मैंबरां दे दस्तखत कराए गए। एक सिख तेज सिंह महाराणी का सब तो वड्डा बैरी, एक मुसलमान फकीर नूरदीन ते एक मैंबर राजा शेर सिंह की थां उत्ते उहदे भरा गुलाब सिंह दे दस्तखत कराए गए। क्योंकि है कि ना रेजीडेंट करी दा करोगी कानून, जे मैंबर नहीं तां उहदे भरा तों दस्तखत करा लै। इस विच इह भी लिख दिता गया कि जे बनारस विच जिंदा कोई होर साजिश रचेगी तां उहनूं चनार विच कैद किया जाएगा, जो कैद उस नालों भी सख्त होवेगी। 14 मई 1848 ईस्वी नूं रेजीडेंट का हुक्म लैके अफसर जिंद कोल शेखूपुरे पुजे। लिखिया सी, मैं अपने अफसरां कप्तान लिमसडन ते लैफ्टीनेंट हुडसन दे नाल कुछ इतबारी पतवंते सरदार भेजदा हाँ। ये लोग आप नूं शेखूपुरों बाहर जाण बारे जो कुछ कहण बिना देर आपने उहो करना। ये आप नूं आदर नाल लै जाणगे। आपका किसी तरह का अपमान करना जां शरीरक दुख देना साडा भाव नहीं। बालक महाराजे की मोहर वाली ये चिट्ठी जिंदा नूं दित्ती गई। उसने इस भावी के सामने भी सिर झुका दिता। बड़े धीरज नाल उसने हुक्म पढ़िया ते लिमसडन नूं पुछया, दसो मैनू कित्थे लै जाओगे। अगों लिमसडन ने उत्तर दिता, मैनू ये दसण की आग्या नहीं। हाँ ये कह सकदा हाँ कि महाराणी की रखिया का भार मेरे सिर है, सो आप नूं बड़े आदर ते इज्जत नाल ले जाया जाएगा। अगों महाराणी ने फिर कहा, हुण आदर ते इज्जत की गल छड्डो, मैं इन्ना ही पुछदी हाँ कि मैनू कित्थे लै जाओगे। अफसोस, इस गल का उत्तर महाराणी नूं ना ही दिता गया। 15 मई 1848 ईस्वी नूं महाराणी जिंद कौर नूं शेखूपुरे दे किले विचों कढ के लै तुरे। सुनीदा है उस नूं लाहौर जाण वास्ते दस्या गया सी। एक पासे उस दे दिल विच इस तरह दे ख्याल उठ रहे सन, भावें मेरी कैद अगे नालों करड़ी ही हो जावे, पर लाहौर विच मैं कदे ना कदे अपने पुत्तर नूं तां देख लिया करांगी। जे शादी नहीं तां चोरी ही सही। मैं अपने पुत्तर नूं वेखण वास्ते दुनिया दे सारे दुख सहेड़ सकदी हाँ, ते दूजे पासे उहदे दिल विच इह डर भी सी कि की जाणा मेरे नाल भी गंगा राम वाला हाथ होवे। जिस वेले लाहौरों अगां फिरोजपुर वल वधे तां जिंद कौर ने राह पछाण के लिमसडन नूं कोल बुला के पुछया, लाहौर लै जाण दी थां तुसीं मैनूं कित्थे लै जा रहे हो? असीं हुण फिरोजपुर वाली सड़क ते जा रहे मालूम हुंदे हां। लिमसडन ने एक रुखी जिही मुस्कराहट तों बिना इस गल दा कोई उत्तर ना दिता। जिंदा सतलुज दे कंढे ते
जिस वेले सतलुज के पत्तण ते पुजी तां जिंद कौर सब कुछ समझ गई कि उन्हूं कित्थे लै जा रहे ने। दरिया दे उरारले कंडे ते उह जरा क अचक गई। इस वेले उहदे ख्यालां विच तूफान मच रहा सी। उहदे एक पासे उहदा अपना देश, अपना राज, अपनी प्रजा ते दूजे पासे सब कुछ दुश्मण दा। उसका स्वामी का सल, पुत्र का विछोड़ा, राज भाग का त्याग, सब कुछ देश निकाले दे गम हेठ दबिया गया। वह निगाह टकाई सतलुज के वगदे पानी वाल वेख रही सी। इस वेले सूरज छिप रहा सी। मानो उसके अपने राज का सूरज ओपरी सरकार की हद अंदर उहदे नाल नहीं सी जाना चाहुंदा। डुबदे सूरज दियां टेढ़ियां किरणां पानी ते पै के लहरां विच अग ला रहियां सन। जिंदा दी छाती विच भखदे अंगियारां वांग लहू बन्ने बुलबले दुखी दिल दे छालियां वांग भर भर फिसदे सन। महाराणी नूं सतलुज दियां लहरां विच सभरावां दे मैदान अंदर शहीद होए सरदार शाम सिंह वर्गियां दा लहू वगदा नज़र आ रहा सी, जिस विच सिखा शाही दा ताज डुबदा नज़र आ रहा सी। इस मनहूस दिहाड़े पंजाब तों बाहर पैर धरिया ते फिर परत के इस पवित्र देश दी धूड़ी परसनी नसीब ना होई, कुछ दिन फिरोजपुर रख के महाराणी बनारस भेज दिती गई। जदों देश निकाले दा हुक्म सुन के राणी छड पंजाब नूं जाण लगी, खली होए के सतलुज दे कंढियां ते झाती परत लाहौर वल पाण लगी। अंदर हिक दे लग्गिया लंबुआं नूं पाणी अखां दा पा बुझाउण लगी। ज्यों ज्यों वरन हंजू त्यों त्यों बलन भांबड़ अपनी अग विच आप सड़ जाण लगी। उहदे एक एक डलक दे अथरू विच नक्शा पंजां दरियावां दा फिर रिहा सी। उहदे सामणे हसरतां पिटदियां सन, काल चक्कर विच काल जा चिर रिहा सी। उहनूं भासदा सी जिवें फेर सजरा अज सिवा रणजीत दा बल रिहा सी। दर्दी बण के उपकार दा देवता कोई तेल पा रिहा सी, पखा झल रिहा सी, राज भाग पंजाब दा सड़ रिहा सी, विच सोल दलीप भी जल रिहा सी। रात उस मासूम दी चो चो के कोई बुल्लां उत्ते सुरखी मल रिहा सी। फिर दिसिया सिरों दलीप दे ज्यों होनी ताज पंजाब दा ला लिया। हर थां नीति दे जाल खलार के ते उस बाल अयाणे नूं फा लिया। फिर परदेस विच मंगदा नज़र आया उह पंजाब दे तख्त सुहाण वाला भा कौडियां दा हाए रुल रिहा सी। अपने ताज विच हीरे हंडाउण वाला बद्दी हाथ खलोता सी किसे अगे। उह करोड़ां ते हुक्म चलाउण वाला किसे तोड़ अंगियारां ते धर दित्ता सी। तत्ती वाह नाल फुल कुमलाउण वाला ये ख्याल आउंदे ही सार तड़फ उठी। जिंद जिंदा दी कीर ने पा रही सी, रीझां मगर करलाउंदियां जांदियां सन। राणी बद्दी बनारस नूं जा रही सी। रेजीडेंट की रिपोर्ट। अगले दिन 18 मई 1848 ईस्वी नूं रेजीडेंट ने लिखिया, महाराजा दलीप सिंह की माता महाराणी जिंद कौर नूं कल लौडे वेले मेरे हुक्म नाल शेखूपुर दे किले चों कढ के अफसरां दी नगरानी अंदर फिरोजपुर नूं तोर दिता गया। महाराणी दा पंजाब विचों देश निकाला ते गवर्नर जनरल दे एजेंट दी नगरानी विच बनारस विच नज़रबंदी ते उहदी कैद अते बंदशां लाउणियां तां कि अगों लई कोई साजिश जां चिट्ठी पत्तर ना कर सके। मेरे ख्याल विच सब तों चंगा ढंग है जो असां इस वेले वरत्या है। अगे फिर अपनी रिपोर्ट विच रेजीडेंट लिखदा है, चंगे भागां नूं रता भी विरोधता नहीं हुई। सारे लोग रजामंदी ते परमाणसू प्रगट कर रहे हैं ते ये दिन रजामंदी ते परमाणसाऊ उन्हां मौतां दा नतीजा सी जो कुछ दिन पहला गंगा राम ते कान सिंह नूं फांसी देण नाल होई। पिछले खात विच रेजीडेंट प्रगट करदा है कि उसदा इह ख्याल सी कि महाराणी भी ख्याल करेगी कि उस नूं भी उसे बदकिस्मती का मूँह वेखना पवेगा जो उसके निजी वकील मुंशी गंगा राम ने वेख्या, जिसनों कुछ दिन पहला फांसी दिती गई सी। इस घटना उत्ते विचार प्रगट करदा होया इवानस बैल लिखदा है, इस तरह महाराजे की माता ते साढ़े साथी रणजीत सिंह की विधवा नूं दो अंग्रेज अफसरां ते एक मुसलमान सरदार की करड़ी नगरानी हेठां फांसी दे झटपट दे तकड़े डर विच देश निकाला दिता गया।
अंग्रेज अफसरां ने यह ढंग इस वास्ते अख्तियार किया कि पतवंते घराने दीआं इस्त्रियां दी इज्जत विच अकारण दखल देण नाल गुसैल सिख सिपाहियां ते आम लोकां दे जज्बात भड़क पैणगे। सो उह गल होई जिंदा दे देश निकाले दा लोकां ते असर। डलहौजी ते करी दी मन दी मुराद पूरी होई। महाराणी दे देश निकाले दी खबर सुन के थां थां सिपाही भड़क उठे ते मुल्तान दी छोटी जी बगावत एक बड़ा बलवा बन गई। 25 मई 1848 ईस्वी नूं रेजीडेंट गवर्नर जनरल नूं लिखदा है, राजा शेर सिंह दे डेरे तों खबरां आ रहियां हन कि महाराणी दे देश निकाले दी खबर सुन के खालसा फौज बड़ी बेचैन हो रही है। सिपाही आखदे ने महाराणी खालसा फौज की माता है। जदों जिंदा ते बालक दलीप सिंह ही उन्हां तों दूर कर दिते गए ने तां उह किहदे बदले लड़न। हुण उन्हां नूं मूल राज की विरोधता करन की लोड़ नहीं। जे मूल राज ने उन्हां उत्ते हमला किया तां उह सरदारां नूं फड़ लैणगे ते मूल राज नाल मिल जाणगे। इवानस बैल अपनी किताब के पन्ना 15 उत्ते लिखता है, राजा शेर सिंह दे डेरे विच जो घृणा ते बेचैनी वध गई उस नूं खास थां दित्ती जांदी है। पंजाब दे सारे वसनीकां नूं सब सिखां नूं असल विच सारी दुनिया नूं चंगी तरह पता लग गया है कि किन्नियां नावाजिब सख्तियां धक्के ते जुल्म नाल फिरंगियां ने वड्डे महाराजा रणजीत सिंह दी विधवा नाल बुरा वर्ताव किया है। अपनी प्रजा दी माता महाराणी नूं कैद करके हिंदुस्तान विच भेजण नाल अंग्रेजां ने सुलह तोड़ दिती है। काबल दा हाकम दोस्त मुहम्मद खान एबट नूं लिखदा है, इस विच कोई शक नहीं है कि सिख दिनों दिन बड़े बेचैन हो रहे हैं। कईआं नूं नौकरियां तों हटा दिता गया है, खासकर महाराजा दलीप सिंह दी माता नूं कैद विच सुट्टिया गया ते उस नाल बुरा सलूक किया गया है। इहो जिहे वर्ताओ नूं सारे मजहबां दे लोक बुरा समझदे हन ते सारे अमीर गरीब इस नालों मौत नूं चंगा समझदे हन। एडविन आरनोल्ड लिखदा है, महाराणी नूं अपने बालक पुत्तर ते प्रजा पासों दूर करन ते सिखां ने जिन्ना रोस प्रगट किया उस नालों किते वधेरे अपने हिरदियां विच रखदे हन। इवानस बैल एक होर थां लिखदा है, महाराणी नूं कैद करन ते देश निकाला देण बारे लार्ड डलहौजी का ऐलान अमल बहाल रखण दे तौर ते नहीं सगों उस नूं सज़ा दे तौर ते सी। मेरे ख्याल विच इह ऐलान ना वाजब ना मुनासिब ते बेइनसाफी वाला सी। राणी दा देश निकाला उन्हां सब लोकां दीआं नज़रां विच जिन्हां दा महाराजा रणजीत सिंह दी बादशाही नाल संबंध सी एक कौमी हतक सी ते इह राणी दे पुत्तर नूं तख्त तों उतारन ते राज नूं तबाह करन बदले पहला कदम सी। सिद्ध होया कि महाराणी दे देश निकाले ने बहुत थाई फौजां विच अग भड़का दित्ती ते जिथे अजे अग भड़कण विच कुछ देर सी उत्थे तोख रही सी। जिंदा बनारस विच महाराणी जिंद कौर बनारस भेज दित्ती गई। उसकी पेंशन दूजी बार घटा दित्ती गई। जद शेखूपुरे कैद की गई सी तां 1.5 लाख सालाना की थां 48,000 सालाना कर दित्ती सी ते बनारस पहुँचण ते 12,000 1,000 माहवार रहण दित्ती गई। कहा गया महाराणी अपने नाल बहुत सारे गहने ते नगद रुपया लै गई है, पर भरोवाल की सुलह वेले भी तो यह सब कुछ महाराणी दे कोल ही सी ते उस ऐदनामे विच एहो जी कोई शर्त नहीं जिस नाल महाराणी की पेंशन घटाई जा सकती। पर जदों झगड़ा तगड़े ते माड़े विच होवे उदों ऐदनामे दे कागज़ रद्दी दे टुकड़ियां दे बराबर हुंदे हन। बनारस विच महाराणी की निगरानी ते मैग्रेगर थापिया गया। 30 जून 1848 ईस्वी नूं रेजीडेंट ने जिंदा बारे मगरों चिट्ठी लिख कर ली। साजिश बारे कुछ चिट्ठियां ने पर कहा नहीं जा सकता कि वह सचियां ने जां झूठियां। जे सचियां ने तो महाराणी बड़ी घिरणा भरी साजिश विच फसी हुई है। लाहौर विच जरूरी कागज़ पत्र मिले हैं, उन्हां विच महाराणी दीआं कुछ असली चिट्ठियां भी हैं। पंजाब विचों झटपट देश निकाला दे देण दे कारण वह उस नूं दित्तियां नहीं गईआं। जिंदा की तलाशी इन्हां शक्की चिट्ठियां जिन्हां बारे मैक ग्रेगर ने मन्या कि जिंदा निर्दोष है दे गवाह विच महाराणी नूं सज़ा दे दित्ती गई।
गवर्नर जनरल डलहौजी के हुक्म नाल 14 जुलाई 1848 ईस्वी नूं महाराणी के गहने 50 लाख दे ते 2 लाख नकद खो लिया गया। इत्थे ही बस नहीं, एलन ते स्टैनली दे मेमा कोलों जिंद कौर ते उस दियां दासियां दी लिखदियां छाती फटदी है। सारे कपड़े उतार के तलाशी कीती गई। अंग्रेज कौम जो दुनिया भर विच अपने आप नूं पलमान ते तहजीब विच सब नालों अगे दसदी है, उसका एक मुतबर हाकम लार्ड लहौजी अपने मोए मित्र रणजीत सिंह की विधवा की पत्त लाउणों नंगी करके तलाशी करनों ना झिझकिया। उहा महाराणी जिंद कौर जो पति का सुरगवास होना, पुत्र का विछोड़िया जाना, अराज भाग का खुसना, बिना गुनाहों देश निकाला मिलना धीज नाल सह गई सी, पर बेपति नूं ना सहार सकी ते फुट फुट के रो पई। होई तलाशी शर्म नाल जिंदा कुरलाई, राणी शेर पंजाब दी मन्ना सिंह जाई, अज मोया रणजीत सिंह तों कूक सुनाई, जिन्ना उहदे जिउंदियां ना अख उठाई, मोए पिछों शेर दी उहना पत लाई, हस हस जिन्ना नाल सी तूं यारी लाई, अक लै कंता मेरिया उहना कही नभाई, तेरे बाजों मैनू जापदा जगत कसाई, तख्ती हुक्म चलामदी फड़ जेली पाई, किस्मत वैरन हो गई फिरे खून तिहाई। तलासी विच जिंद कौर दे सूटकेस वाले कपड़िया विचों 33 चिट्ठियां संबंधियां वलों लिखिया हुई निकलियां। मैग्रेगन मानता है कि इन्हां विचों अंग्रेजां विरुद्ध बेतुक भी नहीं निकली सी। जिंदा दा गुनाह कोई नहीं सी, पर कि उसका इन्ना ही गुनाह थोड़ा सी कि वह बेगुनाह सी। उसकी कैद अगे नालों सख्त कर दिती गई ते पेंशन माहवार 1000 ही रहन दिती गई। चतर सिंह ते शेर सिंह की बगावत। हुण पंजाब विच सिपाहियां दे दिलां विच बलदी अग ते तेल पाउण वाली कसर पूरी हो चुकी सी। इह खबर सुनी तां अंदरों अंदर धुखदी भांबड़ बण के बल उठी। उधरों रेजीडेंट ने महाराजा दलीप सिंह दे विआह दा दिन पक्का करनों ना कर दिती, सो सारे पछमी पंजाब विच फौजां ने बगावत कर दिती। हजारे विच सरदार चतर सिंह अटारी ते मुल्तान विच उसदे पुत्तर राजा शेर सिंह ने बगावत कर दिती। 14 सितंबर 1848 ईस्वी नूं राजा शेर सिंह ने हेठ लिखिया ऐलान कढ़िया, सारे पंजाबियां ते होरना लोकां तों इह गल लुकी होई नहीं कि सचखंड वासी महाराजा रणजीत सिंह दी विधवा महाराणी जिंद कौर उत्ते फिरंगियां ने किस तरह अत्याचार किया है, उसकी जो बेपति कीती है ते परजा उत्ते फिरंगियां ने जो सख्तियां कीतियां हन वह भी किसी कोलों गुझियां नहीं। पहलां तां पंजाबियां दी माता जही राणी जिंद कौर नूं देश निकाला दे के सुलह तोड़ी है, ते दूजी गल साडे महाराजा रणजीत सिंह दी संतान वर्गे सिंघां उत्ते अजिहा अन्या ते जुल्म कीता है कि असी धर्मों भी हीन हो गए हैं। तीजी गल, सिख राज दी पहली वड्याई नहीं रही, सो हुण की देखदे हो, आओ अपने सरबंस दी रक्षा वास्ते एक हो जाओ। शेर सिंह दीआं लड़ाइयां। यह है जिस नूं सिखां दी दूसरी लड़ाई आखदे हन। राजा शेर सिंह दे बागी होण नाल 30-32 हज़ार फौज बागी हो गई। लार्ड डलहौजी की मन की मुराद पूरी हो गई। पंजाब के एक हिस्से विच खुली बगावत हो गई, जिस बहाने वह पंजाब नूं हड़प कर सके। लार्ड गफ सरकार अंग्रेजी का प्रधान सेनापति बड़ी तगड़ी फौज लैके महाराजा दलीप सिंह दे मुल्क विच वड़िया। राजा शेर सिंह नाल 4 तगड़ियां लड़ाइयां होईयां। रामनगर 22 नवंबर 1848, सैदलापुर 4 दसंबर, चेलियांवाली 13 जनवरी 1849, गुजरात 21 फरवरी 1849 ईस्वी। पहलियां तिन्नां विच सिखां दा पासा भारा रहा, पर चौथी लड़ाई गुजरात विच बारूद सिक्का मुक्कण दे नाल सिख हार गए। इत्थे हारना ही सी कि डलहौजी दी सरकार ने सारे ऐदनामे ते ऐलाना दे इकरार भुल के अपनी रक्षा विच लए होए बालक महाराजा दलीप सिंह दे मुल्क ते कब्जा कर लिया। गुजरात विच हार के नसे होए सिखां नूं 14 मार्च नूं रावलपिंडी घेर लिया। सिपाहियां ने हथियार खोह के घरों घरी घल दिता गया ते वड्डे वड्डे सरदारां नूं कैद कर लिया गया।
सारे पंजाब विच अमन हो गया, हुण इंसाफ दा वेला आया। पर राजनीति की ते इंसाफ की? फिर डलहौजी तो इंसाफ दी आस। जिस दलीप सिंह नूं गवर्नर जनरल ने भरोवाल दी सुलह अनुसार अपनी रक्षा विच लिया होया सी, जिस महाराजे दे नाम थले मुल्तान ते शेर सिंह दीआं लड़ाइयां लड़ियां गईआं सन, जिस बालक दलीप सिंह नूं डलहौजी अपना पुत्तर आखदा सी, उसे 11 साल दे निर्दोष ते मासूम दलीप सिंह दी गर्दन उत्ते डलहौजी ने कलम दी छुरी चला दित्ती। 29 मार्च 1849 ईस्वी नूं पंजाब दी जबती दा ऐलान कर दिता गया। 28 मार्च नूं इलियट डलहौजी का ऐलान लैके लाहौर आया। उसने कौंसल के कुछ मैंबरां तों डरा धमका के रात नूं सुलह ते दस्तखत लए। अगले दिन 29 मार्च नूं दरबार होया, जिस विच बालक महाराजा दलीप सिंह नूं अंत दी वार सिख राज दे सिंघासन ते बिठाया गया। सब सिख दरबारी मातमी कपड़े पहन के आए हुए सन। एक पासे सिख ते एक पासे अंग्रेज कर्मचारी बैठे हुए सन। लॉर्ड डलहौजी का लम्मा सारा ऐलान पढ़िया गया ते फिर आखिरी ऐदनामे दीआं शर्तां सुनाईआं गईआं, जो इस प्रकार सन। आखिरी सुलह दीआं शर्तां। नंबर 1, महाराजा दलीप सिंह अपने वल्लों, अपने वारसां वल्लों ते अपने उत्तर अधिकारियां जां नशीना वल्लों पंजाब राज दे सारे हक ते दावियां नूं त्यागदा है। नंबर 2, लाहौर दरबार सिर सरकार अंग्रेजी का जो कर्जा है उस बदले ते इस लड़ाई दे खर्चा बदले लाहौर रियासत दी हर तरह की जायदाद जिथे भी होवे सरकार अंग्रेजी जब्त कर लवेगी। नंबर 3, कोहेनूर हीरा जो महाराजा रणजीत सिंह ने शाह सुजा कोलों लिया सी, लाहौर का महाराजा इंग्लैंड की मलका नूं भेट करेगा। नंबर 4, महाराजा दलीप सिंह अपने संबंधियों की ते रियासत दे नौकरां दी सहायता लई ईस्ट इंडिया कंपनी पासों एक रकम पेंशन लवेगा, जो कंपनी दे रुपए 4 लाख तो घट ते 5 लाख तो वध नहीं होवेगी। नंबर 5, महाराजे की इज्जत ते सन्मान कायम रखिया जाएगा। वह महाराजा दलीप सिंह बहादुर का खिताब रखेगा ते वह अपनी उम्र भर उपर दसी पेंशन का उन्ना हिस्सा लिया करेगा जो उसनू जाती तौर पर दिता जाएगा। पर जे वह अंग्रेजां दा ताबेदार रहेगा तो उत्थे रहायश रखेगा, जिथे गवर्नर जनरल उस लई थां तजवीज़ करेगा। एजेंसी दे कमिश्नर ने सुलह दा कागज़ अगे किया, जो तेज सिंह ने फड़ के महाराजा दलीप सिंह दे पेश किया। उसने बड़ी छेती नाल कागज़ फड़िया ते उपर दस्तखत कर दिते। जिस काली नाल उसने दस्तखत किए मालूम हुंदा कि उन्हूं समझाया गया सी कि ढिल करन नाल काम असलों विगड़ जाएगा, ते यह भी प्रगट हुंदा सी कि बालक होण दे कारण उसनूं इन्ना ज्ञान नहीं सी कि वह बादशाही तख्त तों उतार के धुएं दा फकीर बनाया जा रहा है। सुलह दे कागज़ ते दस्तखत कराउण वाला कमिश्नर आप मनदा है कागज़ महाराजे दे हवाले किए गए, जिसने झटपट उस उत्ते दस्तखत कर दिते। जिस फुरती नाल उसने कागज़ फड़े सब नूं हैरान करन वाली गल सी, ते इस तों प्रगट हुंदा है कि उहदे सलाहकारां ने उहनूं सिखाया होया सी कि उसने रता भी देर कीती तां इहनां दे बदले विच इस तों वी घट फायदे वालियां शर्तां सामणे रखियां जाणगियां। इवानस बैल लिखदा है, असीं जाणदे हाँ कि उहदे सलाहकारां नूं धमकी दित्ती गई सी कि शर्तां ना प्रवान करन ते उन्हां दे ते उन्हां दे शहजादे दे देश निकाले दा ते तबाही दा हुक्म दित्ता जाएगा। महाराजे ने जिस ख्याल जिस फुरती जिस काली ते बेचैनी नाल कागजां नूं फड़िया ते दस्तखत कीते, इन्ना कहना ही काफ़ी है कि वह 11 साल का बच्चा सी ते इहो जे मामलियां विच अपनी राय प्रगट करन दे काबल नहीं सी। ऐलान पढ़िया गया, ऐदनामे ते दस्तखत हो गए ते बालक महाराजे नूं खालसाई तख्त तों सदा वास्ते उतार दिता गया। उस वेले धर्म ते इंसाफ डलहौजी दी नीत दे सामने सिर झुकाई रो रहे सन। बालक दलीप सिंह नूं तख्त तों उतारिया जां कहे रो पंजाब इन्ना कहर ना कमाया जावे,
रोवे प्या नसीब आखे रहम करो बाल उते कहे तकदीर गली गली च फराया जावे आखे इंसाफ निर्दोष दा ना राज खुब कहे राजनीति एदा नाम ही मिटाया जावे सीतल ना जाना किवें रब नूं ए पाबंदा ए एहो जिहा रूप परदेश च रुलाया जावे। दूजा कांड जिंदा बनारस विच असी महाराणी जिंद कौर नूं बनारस विच मैक ग्रेगर की कैद विच छड आए सां। 14 जुलाई 1848 ईस्वी नूं उसका जामा तलाशी की गई ते उसके गहने ते नगदी खो ली गई। भरोवाल की सुलह के उल्ट उसकी पेंशन घटा के 1000 महीना 1.5 लाख की थां 12000 सालाना कर दिती गई। कैद इन्नी सख्त सी कि वह अपने बेगाने के सामने दिल की हवाड़ भी नहीं कढ सकती सी। जीवन सिंह ते न्यू मार्च महाराणी के पुराने वकील जीवन सिंह ने महाराणी नूं मिलन दी आग्या मंगी पर सरकार ने परवान ना कीती। जीवन सिंह कलकत्ते गया। उसने कई बार गवर्नर जनरल को बेनती कीती पर महाराणी नूं मिलन दी आग्या उसनूं नहीं मिली। होर कोई उपाय ना वेख के जीवन सिंह ने एक अंग्रेजी न्यू मार्च नूं महाराणी दा वकील नियत कीता। गवर्नर जनरल ने न्यू मार्च नूं इकल्या महाराणी नूं मिलन दी आग्या दित्ती। न्यू मार्च बनारस आया ते 8 दिन इत्थे रहा। वह इकला कई बार महाराणी नूं मिलिया। उन्हें महाराणी दे खर्चां दा एक चिट्ठा फरिश्त तैयार कीता ते 2000 महावार खर्च की सिफारिश करके मैक ग्रेगर दे पास भेज दिता। नाल ही अपनी रिपोर्ट विच लिखिया अंग्रेजी विचार तो महाराणी दे खर्च की इन्नी रकम व्यर्थ है ते खर्च की किन्नी ही रकम हासोहीणी है पर महाराणी आखदी है कि वह खर्च पहला करती रही है। जे उसने हुण ये सारे बंद कर दिते तां उहदी नौकरां चाकरां विच किन्नी हानि होवेगी। मैक ग्रेगर ने अपनी सिफारिश करके यह चिट्ठा 23 अक्तूबर 1848 ईस्वी नूं गवर्नर जनरल नूं भेज दिता। अगों 5 नवंबर नूं गवर्नर जनरल का जवाब आया इस वेले जो रकम महाराणी नूं खर्च वास्ते मिलती है वह उस नाल चंगी तरह निर्वाह कर सकती है। दोबारा चेतावनी कराने उत्ते गवर्नर जनरल ने 11 नवंबर नूं लिखिया गवर्नर जनरल महाराणी दे बेनती पत्र ते विचार करन दी कोई लोड़ नहीं समझते। उसने महाराणी की प्रार्थना प्रवान नहीं कीती। मुकदी गल महाराणी दीयां बेनतियां ते कोई ध्यान ना दिता गया। हर चंद में झुक झुक के किए सैकड़ों सजदे पर खम ना हुई उस बुत्ते मगरूर की गर्दन। फिर न्यू मार्च ने कलकत्ते सुप्रीम कोर्ट विच अपील कीती पर उत्थे भी कोई ना सुनी गई। फिर उसने महाराणी नूं वलायत विच कोर्ट आफ डायरैक्टर्स पास बेनती करन दी सलाह दित्ती ते इस काम दे खर्च वास्ते 50,000 रुपया मंगिया। पर जे महाराणी 50,000 रुपया देण जोगी हुंदी तां फिर 1,000 वास्ते डलहौजी सामने क्यों तरले करदी। सो ये रोना धोना इत्थे दा इत्थे ही रह गया। पेंशन 1,000 ही रही। ज्यों ज्यों पछमी पंजाब विच बगावत की अग जोर फड़दी गई त्यों त्यों महाराणी की कैद सख्त होंदी गई। 13 जनवरी 1849 नूं चेलियां वाले दे युद्ध विच अंग्रेज फौज का बहुत बुरा हाल होया। इस दे नतीजे वेख के अंग्रेज जनरल बहुत घबरा रहे सन ते बहुते इस अग नूं छेती तो छेती शांत जां खत्म करना चाहुंदे सन। माउंटेन ने गवर्नर जनरल डलहौजी कोल बेनती भी कीती कि जे महाराणी नूं पंजाब विच वापस लै आंदा जावे तां इह बगावत की अग ठंडी हो सकती है। अगों डलहौजी ने फिरोजपुर तो 31 जनवरी 1849 नूं माउंटेन नूं इउं लिखिया जिंदा बारे डलहौजी की चिट्ठी। राणी नूं वापस लियाउण की तांग वाले सिखां दे बहाने सब व्यर्थ हन। जे भला सिख वधेरे इस गल विच सच्चे ते संजीदा होण तां इह इस गल लई होर वधेरे पक्के सबब हन कि उहनां दी इह गल ना मन्नी जावे। पंजाब विच केवल उह महाराणी ही मर्दां वाली समझ रखदी है ते उस दा वापस लियाउणा सिर्फ एक उह चीज मुड़ लिया खड़ी करेगा जिस दा वर्तमान सिखां दी दूजी लड़ाई नूं सचमुच भयानक बनाउण लई घाटा है, भाव एक निशाना ते एक दिमाग।
निश्चय जाणो हुण पिछे हटण जां कुछ वापस देण जां अख चमकण दा वेला नहीं। जिंदा चुनार विच जिंद कौर नूं कैद विचों रिहा करना पंजाब विच वापस लिआउणा तां इक पासे रिहा, डलहौजी तां उहनूं सगों होर कोर नरक विच सुटणा चाहुंदा सी। 29 मार्च 1849 ईस्वी नूं पंजाब अंग्रेजी राज विच मिला के सिख राज दा सदा वास्ते अंत कीता गया ते 6 अप्रैल 1849 नूं बिना किसे गुनाह दे जिंद कौर नूं चुनार दे किले विच बंद कर दिता गया। अगे तां उहदे उत्ते कोई सख्ती करन लग्गिआं किसे बहाने दी लोड़ हुंदी सी, पर हुण तां उसदी सिख कौम दी ताकत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी सी, सो बहाना भी ना टोलना पिया। चुनार किले दी कैद किन्नी करड़ी सी इस गल तों ही समझिया जा सकदा है कि उह जिंद कौर जो इन्ने अनर्थ ते अत्याचार हौसले नाल सहारदी आई सी वो इत्थे कुछ दिहाड़े भी ना कट सकी। मनमर्जी दी खुराक ते रहायश तां इक पासे रही, वो अपने नौकरां जां पहरेदारां नाल गल तक नहीं सी कर सकदी। उहदे कैद खाने दे उदाले बड़ा सख्त पहरा सी। ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤੜਪਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਿਆਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਸਨ, ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਹੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਬੀਬੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਪੁੱਛੂੰ ਇਲਾਜ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ, ਮਰਦ ਜਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਦਵਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਬਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਡੁਲਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਰੀਸੇ ਰੀਸ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਡਲਕ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਭਰ ਭਰ ਪਲਟਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬੁੱਝੇ। ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਕੀ ਬੁਝਾ ਲੇਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹਮੇ ਐ ਚਸ਼ਮੇ ਗਿਰੀਆਂ ਬਾਂ, ਪਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਰੋਨੇ ਸੇ ਐ ਚਸ਼ਮੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਬ ਅਸ਼ਕ ਦਿਲ ਕੀ ਆਗ ਲੱਗੀ ਕੋ ਬੁਝਾ ਸਕਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਰੋਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਹੰਝੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਏ ਵੱਟ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਸੀਰ। ਹੰਝੂ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਕੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਕਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ। ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੇ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਬੰਨੇ ਢਾਏ ਹਨ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਚੁਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਣੀ ਦਾ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਨੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ।
महाराणी किल्यों बाहर हुई ते वगदी नदी विच छाल मार दिती। लहरां नाल लड़दी ते अपनी किस्मत नाल घोल करदी वह नदियों पार हुई। सूरज चढ़िया सारे चानण हो गया पर जिंदा दे जीवन पंध विच अगे नालों भी वधेरे हनेरा वध गया। उस नूं सोझदा नहीं सी कि वह किधर जाए। चुनार विचों जिंदा दे नस जाण दी खबर जंगल की अग वांग सारे खिलर गई। सिपाही थां थां उसकी भाल विच फिर रहे सन। दूरों दरख्तां दे हिलदे परछावें भी महाराणी नूं उसकी भाल विच फिर रहे अंग्रेजी सिपाही भासदे सन। बिरशां दी विच दी शां शां करदिआं लंघदिआं पौण दे बुल्लिआं विचों उस नूं वैरी दी गोली दी आवाज़ आउंदी। जरा को पत्तर भी हिलदा तां शिकारी दे डर नाल टुट्टे होए परां वाले पंछी वांग उसकी छाती धड़कण लग पैंदी। वह दिने झाड़ियां विच लुक के कटदी ते राती पंध पै जांदी। पांधी तुरिया जा रहा सी पर उसनूं आप नूं भी नहीं सी पता कि उसने पहुंचना कित्थे है। सुन्नी दुनिया विच इकली जिंदा जा रही सी। उहदे संबंधी उसदे अपने उसदे नसीब उसदे भाव सब सांझा तोड़ गए सन। स्याही बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीखी में साया भी जुदा होता है इंसान से। सारे साथ छड गए ते केवल दुख ते गम ही नाल रह गए। अखीर आया जो वक्त बाद तो सब ने राह ली अपनी हजारों सैकड़ों में दर्द उ गम दो आशाना ठहरे। जिंदा नेपाल विच अंत भटकदी भटकदी जिंदा नेपाल जा पहुंची। नेपाली सिपाहियां ने पंजाब दियां लड़ाइयां विच अंग्रेजां दी बड़ी मदद कीती सी। जिंदा नूं उहनां दा नाम सुन के अग लग उठती सी। उह नेपाल नूं अपना वैरी समझदी सी पर जदों होर कोई आसरा ना रह गया तां जिंदा नूं रोटी बदले उसे नेपाल दे राणा जंग बहादुर अगे झोली अड्डनी पई। कुदरत दे रंग ने हीरे ते मोती दान करन वाले कदे रोटी दी भिख्या मंगदे फिरदे हन। ये दुनिया एक अखाड़ा है ते खलकत है तमाशाई। मैं जीवन खेड विच भुल दे बड़े बुद्धवान वेखे ने जो उड़दे अरश ते पल विच पटकदे फरश ते वेखे ते पैरां विच रुलदे कई चढ़े असमान वेखे ने। तख्त ते बैठिया है बड़िया बेघर गुलामां नूं ते मंगदे भीख गली विच भी कई सुल्तान वेखे ने। जिन्हां महलां च कल तीकर हुंदा सी नाच भरियां दा मैं पेंदे कीर ने अज वह बड़े शमशान वेखे ने। जिन्हां गल हीरियां दे हार ते रेशम हड़ाउंदे सी वह बहियां टुकड़ियां नूं तरसदे इंसान वेखे ने। जिन्हां दे सामने झुकदे सी लखां सिर जवानां दे मैं गैरां सामने झुकदे वह बलवान वेखे ने। जिन्हां दे वट मत्थे ते कंबाउंदे सी जमाने नूं मैं कायरां नूं ज्यों विलकदे उहनां दे अरमान वेखे ने। कहां कि बेलम बेसमझ लोकां दी हजूरी विच अकल दे कोट हथ बद्धी खले हैरान वेखे ने। लटकदे फांसियां ते वेख्या है देश भगतां नूं ते भगतां दे लिबास अंदर लुके शैतान वेखे ने। चलाउंदे वेख्या छुरियां है कईआं साध संतां नूं ते मंदर दे पुजारी वेचदे ईमान वेखे ने। गले मिलदे मुहब्बत नाल मैं वेखे ने दुश्मन वी ते मित्रां विच हुंदे लहू दे कमसान वेखे ने। अनोखे रंग ने कुदरत दे जाने कौन सीतल जी मैं उजड़े वसदे ते वसदे वीरान वेखे ने। जिस शेरे पंजाब दी तांक सारी दुनिया ते पई होई सी जिस दे बूहे उत्ते वड्डे बादशाहां दे राजपूत जराने वास्ते बेनती करन लई खड़े रहिंदे सन जिस दी मित्रता नूं अंग्रेज सुभाग समझदे सन जिस दी तेग ते देग दोवें मशहूर सन जिस दे दान नाल कंगाल शाह हो गए सन जिस दे राज विच भुखा कोई नहीं सी रिहा। अज ओह शेरे पंजाब दी महबूबा राणी जिंद कौर फकीरनियां वांग झोली अड के राणा जंग बहादुर दे सामने रोटी दी भीख मंग रही सी। जदों नस के किले चनार चों पहुंची जिंदा जा नेपाल तन लटकण लीरां रेशमी अते गल विच खिलरे वाल जिहदे वट मत्थे दे वेख के हुंदा दूज दा चंद हलाल। अज कखों हौली हो गई कदे तुलदी लाला नाल विच राणे दे दरबार दे झोली अड के करे सवाल। मैं मालक देश पंजाब दी अज फिरां फकीरां दे हाल कल हीरे करदी दान सां अज रोटी तो कंगाल।
मैं राणी उस रणजीत दी जिदे इंदर न चलदा चाल जिदी भवुक डुलावे अंबरां अते पृथ्वी आउण पुचाल मैं मां महाराज दिलीप दी जिनू मित्रां फाहिया जाल फेरा रोटी बदले भटकदी अज वेख जमाने दी चाल मैनू कहणगे शाही फकीर नी जदों शायर लिखणगे हाल। जिंदा नूं गुजारा दिता गया। दुखी जिंदा दे हाल उते राणा जंग बहादुर नेपाल नूं तरस आ गया। उसने अपने राज विच उस अभागवी नूं आसरा देना मन लिया। 20,000 रुपए सलाना अपने खजाने विचों महाराणी दे निर्वाह वास्ते नियत कर दिता, पर नाल ही महाराणी नूं खटमंडू नेपाल विच रहण वाले अंग्रेज रेजीडेंट की निगरानी विच दे दिता। इत्थे ओह 12 साल कैद रही। जिंदा नेपाल चली गई। डलहौजी दे इह वी दिल दी होई। ਉਹ 1 मई 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਖਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਚੁਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਆਉਣ 'ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ 12,000 ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 20 ਦਰਬਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, 200 ਘੋੜਸਵਾਰ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਲ ਅਤੇ 1 ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅਨਾਜ, ਕਦੇ ਤੇਲ, ਕਦੇ ਘਿਓ, ਕਦੇ ਧਾਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਸਤ 1847 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮਾਰਚ 1848 ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਰਿਕ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਉਸਤਾਦ ਮੈਲਵਲ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਪੌਲਕ ਰੱਖ ਲਏ। ਬਗਾਵਤ ਸਮੇਂ April 1849 ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਐਪਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 29 ਅਗਸਤ 1848 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਐਡਵਾਰਡਸ ਨੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ
लड़ाई करन दे साथों कारण पुछेगा जिस दलीप सिंह नाल असां सुलह कीती हुई है। गुलाब सिंह ते होर नौकर उपरली चिट्ठी पहुंचदिया ही रेजीडेंट ने दलीप सिंह दे सारे देसी नौकर हटा दिते ते उपरे उन्हां दी थां ला दिते। किले ते महाराजे दे महल दी राखी वास्ते अंग्रेजी रेजिमेंट ला दिती। सरदार चतर सिंह अटारी वाले दा छोटा पुत्र गुलाब सिंह हर वेले महाराजे दे कोल रहिंदा हुंदा सी। रात भी वह महाराजे दे कोल सौंदा सी। उन्हूं महाराजे तो नखेड़ के कैद कर दिता गया। इन्हां तब्दीलियां तो दलीप सिंह समझदा सी कि बाहर कुछ हो रहा है, नहीं तो इस लड़ाई दे हाल उसनू नहीं दसे जांदे सन। आखिरी ऐलान ते दलीप सिंह अंत लड़ाई खत्म हो गई ते गवर्नर जनरल डलहौजी का आखिरी ऐलान लैके इलियट लाहौर पुजा। 29 मार्च 1849 वह ऐलान दरबार विच इलियट ने अंग्रेजी विच पढ़िया, फिर उसका उलथा फारसी ते हिंदी विच करके सुनाया गया। महाराजा दलीप सिंह उदों 10 साल 6 महीने 29 दिन का सी, सो वह उस ऐलान के अर्थ समझ ना सकिया ते केवल नौकरा दे आखण उत्ते उसने सुलह ते दस्तखत कर दिते। जिन्ना को वह समझ सकता सी उसके ख्याल विच ऐदनामे दीआं शर्तां सख्त सन। सर जौहन लागन जो सुलह पिछों कई साल महाराजे का रखवाला रहा लिखता है, बालक महाराजा होर तां कुछ ना समझ सकिया पर यह जरूर अनुभव करता सी कि उस उत्ते लाईआं गईआं शर्तां बड़ियां करड़ियां ते मारू हन, खासकर उस वालों बिना किसी गुनाह किते दे उदा तख्त खोया जाना निरा उन्हां लोकां दीआं दगेबाजियां दे कारण जिन्हां नूं असीं अंग्रेजां उहदे उदाले ताकतवर बना दिता सी। सरकार अंग्रेजी दी रक्षा विच आउण तों पहलां दी डावांडोल हालत विच उह जिन्हां औकड़ां विच घिरिया होया सी उह वी उहनां दे दिल ते डूंघा असर पाया। इन्हां कारणां करके उह राज भाग छड के नवेकली जिंदगी गुजारन वास्ते मजबूर हो गया। लार्ड डलहौजी ने जिस दलीप सिंह नूं अपनी रक्षा विच लिया होया सी, जिस दे राज विच अमन कायम रखण दा वह ठेकेदार सी, जिस नूं वह अपना पुत्तर आखदा सी, उस बालक महाराजे दा राज खो के वह खुशी विच फुलिया ना समाया। जो तूने की सो दुश्मन भी नहीं दुश्मन से करता है, गलत था जानते थे तुझको जो हम मेहरबान अपना। 30 मार्च 1849 नूं डलहौजी अपनी जाति चिट्ठी विच लिखदा है, जो कुछ मैं कीता अपनी जिम्मेवारी ते कीता है। हर एक दिन ऐसा नहीं आउंदा जिस दिन हकूमत दा एक अफसर सरकार अंग्रेजी दी 40 लख प्रजा होर वधा देवे ते मुगलां वाला इतिहासक हीरा कोहिनूर अपने शाही ताज विच टिका देवे। ये कुछ मैं कीता है। लुडलो दी राय, इस नूं कहिंदे हन बांह फड़ी दी लाज। वेखो दलीप सिंह दे राज दी कही चंगी रखिया डलहौजी ने कीती है। मिस्टर लुडलो ने बड़े सोहने शब्दां विच इस नूं बयान कीता है। दलीप सिंह एक बच्चा सी, उसकी बालक अवस्था 1854 विच पूरी होनी सी। असीं अंग्रेज़ उसके रक्षक बने हुए सां। जदों असीं आखिरी वार उहदे मुल्क विच दाखल होए असां 18 नवंबर 1848 नूं ऐलान कीता कि असीं बागियां नूं सज़ा देण वास्ते ते सिख दरबार दलीप सिंह दी सरकार दे विरोधियां नूं दबाउण वास्ते दाखल होए हां, पर असां इस इकरार नूं इस तरह पूरा कीता उसदे सारे मुल्क नूं 6 महीने विच अंग्रेजी राज विच मिला लिया। 29 मार्च 1849 नूं पंजाब दे राज दे खत्म होण दा ऐलान कर दिता ते अपने रक्षा अधीन बालक नूं पेंशन दे के उसकी सारी जायदाद खो लई। जगत प्रसिद्ध कोहेनूर हीरा मलका दी भेटा वास्ते लै लिया। दूजे शब्दां विच असां अपनी रक्षा अधीन दी रक्षा इस तरह कीती कि उसका सारा मुल्क उस तों खो लिया। जे पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच मिलाउणा ठीक सी तां उह पहले सिख युद्ध वेले होना चाहीदा सी। उदों सिखां ने हमला करन विच पहल कीती सी। उदों साडा बालक महाराजे नाल कोई इकरार नहीं सी, सो जेतू होण दी हैसियत विच उदों असीं उहदे उत्ते मनमन्नियां शर्तां लाउण दे हकदार सां। दूर दी सोच वाले सर चार्लस नेपियर ने
इस भुल नूं ताड़ के इस ते बड़ा इतराज कीता सी। पर एक बार दलीप सिंह दी बादशाही मन लैण ते उस नूं अपनी रक्षा विच लैण पिछों उस दी परजा दे गुनाहां बदले उस नूं सजा देना मखौल है। जिथों तक बागियां नूं दबाउण दा सवाल है, असीं सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे सां। उस दी परजा दा कोई अजिहा काम सानू उस दे विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिंदा। अगे मिस्टर लुडलो एक बड़ी सुंदर मिसाल दिंदा है, जरा ध्यान दिओ। एक विधवा इस्त्री दे घर विचों कुछ बागी नौकर बाहर निकल के पुलिस ते हमला कर देंदे हन। पुलिस उन्हां बागियां नूं सजा दे दिंदी है ते घर विच दाखल हो के उन्हां बागियां दी किसे किस्म दी गड़बड़ तों उस विधवा दी रक्षा दा भार अपने सिर लै लैंदी है। झगड़ा फिर हो पैंदा है ते पुलिस उस नूं दबाउण विच सफल हो जांदी है। तां इंस्पैक्टर बड़ी नम्रता नाल उस विधवा नूं सुणा दिंदा है कि उसदा घर ते जागीर जिस विच उह घर है हुण उस विधवा दे नहीं रहे, सगों उसदी रक्षा करन दी फीस वजों पुलिस दे कब्जे विच ही रहणगे ते उस विधवा नूं कब्जा छड्डण उत्ते उसकी आमदनी विचों रुपए विचों 6 आने पेंशन मिलेगी ते विधवा अपने गाल वाला हीरियां दा बहुमुला हार चीफ कमिश्नर नूं देवे। जो वरताओ असां अंग्रेजां उस बेगुनाह बालक दलीप सिंह नाल कीता, की ए उसकी सच्ची तस्वीर नहीं? पेंशन महाराजा दलीप सिंह दा राज भाग खो के उसनू घट तो घट 4 लख ते वध तो वध 5 लख रुपए सालाना पेंशन ते ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। 1849 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਜੋ 1849 ਵਿੱਚ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਮਰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮਿਲਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਨੌਕਰ ਹਟਾਏ। 31 ਮਾਰਚ 1849 ਤੱਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਗੀਰ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਗਨ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਗਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਨੂੰ ਲਾਗਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਗਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਘਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਨੀਲਮ, ਪੁਖਰਾਜ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਜੜਾਊ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੌਦੇ, ਕਾਠੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੁਸਾਲੇ, ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੈਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਕੋਹੇਨੂਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਡਲਹੌਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 1 ਚੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਿਉ ਕੇ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਧੀ 1 ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਪਤਾਨ ਰੈਮਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇਨੂਰਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1850 ਨੂੰ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਖਤ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 124। ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
अपने हथां ते पावे ते हर तरह खुश रखे। उधर दलीप सिंह नूं समझा दिता गया कि तेरा रक्षक ते सब तो चंगा मित्र लागन ही है। लागन अपनी चिट्ठी विच लिखदा है, दलीप सिंह बड़े चंगे सुभा दा होशियार ते खूबसूरत लड़का है। वह फारसी चंगी लिख पढ़ सकता है। उसने मैनू अपनी आखिरी कापी दिखाई। उसने अंग्रेजी विच भी कुछ तरक्की कीती है जो मैनू आस है उसनू लायक बना देवेगी। उस नाल कुछ चिर गल्लां करन पिछों मैं वह थां वेखण गया जिहड़ी मेरे रहण वास्ते नीयत कीती गई सी। महाराजे दी रहण वाली थां दे नेड़े ही एक सुंदर बाग विच महल सी जिस दे नाल चिट्टे पत्थर संगमर दी बारां दरी दे उदाले फुहारे सन। इहो जिहे शानदार महल विच लागन नूं निवास दिता गया। कुछ दिनां पिछों दलीप सिंह ते लागन दे कमरियां नूं बारी कढ के मेल दिता गया। लागन हर वेले ते हर थां दलीप सिंह दे नाल रहिंदा। उसने बालक नूं लभाउणियां गल्लां ते उचेचे प्यार नाल हद तों वधेरे वसा लिया। वह 10 अप्रैल नूं अपनी इस्तरी नूं लिखदा है, विचारा छोटा बच्चा दलीप सिंह मेरे कोल बड़ा खुश दिसदा है। मैनू आस है असीं एक दूजे नूं पसंद करांगे। वह बड़ा आग्याकार है। हुण वह फारसी ते अंग्रेजी पढ़दा है, वेले वेले बाज़ां नाल शिकार खेडदा है ते बाज़ां दीआं तस्वीरां बणाउंदा है। महाराजा वलैत बारे गल्लां सुणन दा बहुत शौक रखदा है। हैनरी लारेंस चाहुंदा है कि उस नूं वलैत विच विद्या पढ़ाई जावे। ਇਹ ਲਾਗਨ ਦੀ ਚਾਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਲਾਗਨ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਸਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗਨ ਆਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਗਨ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵਲੈਤ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ। ਜਾਦੂ ਸੋ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅਕਲ ਖੋ ਦੀ ਥੀ ਜੋ ਐ ਨਾਸਕ ਜਨੂਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਆਸ਼ਨਾ ਸਮਝਾ ਕੀਏ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬੇਗਾਨੇ ਕੋ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਲਾਗਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਵਰਤਾਓ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਆਰ ਸੀ ਜੱਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਵਿਹਾ ਵੇਖਾਲਾ।
महाराजे दे दिल विचों कढ के अंजील दा सिद्धांत जैसा लोड़ो तैसा वरतो बिठाया जांदा। 6 मई 1849 दी चिट्ठी विच लागन आप लिखदा है, मेरे कोलों अंग्रेजी सबक लिखण दा दलीप सिंह नूं बड़ा चाह है। मैं उस नूं एक सिद्धांत हुक्म आयत लिखण वास्ते ते उलथा करन वास्ते दिता। जैसा वरताओ दूजियां पासों लोड़दे हो उहो जिहा उहनां नाल करो। मेरा इरादा है पर अजे मैं उहदे हत्थां विच अंजील दे नहीं सकदा। मैं चाहुंदा हां कि उह इहनां असूलां सिद्धांतां उत्ते अमल करके अपने ज्ञान मुतालिया नूं पक्का करे। मैं अपणियां कम्मां जिन्हां दे भार हेठ मैं दबिया होया हां तों वेला हो के उस नूं वधेरे चिर वेखण दी चाह रखदा हां। उह मेरे नाल वधेरे खुलासा बेतकल्लफ हुंदा जांदा है ते मेरे उपर भरोसा करदा है। जिथे दलीप सिंह नूं पंजाब तों दूर करन दा पक पकाया होया सी उत्थे पंजाब दे सिखां ते सिक्खी तों दूर करन दे जतन वी आरंभ दिते गए सन। उपरले सारे काम इसे गल नूं मुख रख के हो रहे सन। महाराजे दा जन्म 4 सितंबर 1849 नूं महाराजे दा जन्म सी। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗਨ ਨੇ ਪੁੱਜ ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲ ਸਜਾਇਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਲਹੌਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਲਹੌਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਗਨ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਡਲਹੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ 5000 ਦੀ ਥੈਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ 51 ਥਾਲ, 7 ਘੋੜੇ ਅਤੇ 1 ਹਾਥੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੌਦੇ ਸਣੇ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੈ, 1 ਦਸਤਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲਾਹੌਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਦੀ 18ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਲਾਗਨ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰੱਖੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ
पंजाब विचों कढ़िया जाए। इन्हां दे साथ वास्ते लाहौरों चुने हुए आदमी जिन्हां उत्ते लागन नूं भरोसा होवे लए जाण। पंजाब सरकार दे सकत्तर ने कुछ हदायतां होर नाल लिख के उपरला हुक्म लागन नूं दिता। किसे शक्की आदमी नूं महाराजे दे डेरे नाल जाण दी आग्या ना दिती जावे। हथियारबंद रखवाली फौज दे नाल नाल आप नूं दो तीन भरोसेयोग आदमी महाराजे दे हर वेले नाल रखने चाहीदे हन। इस गल दा ध्यान रखना कि उन्हूं रात नूं कोई उठा के ना लै जाए। लोड़ पई ते हथियारबंद टाकरे वास्ते भी तैयार रहना। जिन्ना वड्डा कोई पाप करन लगदा है उन्ना ही वधेरे उस दे अंदर डर हुंदा है। सो दलीप सिंह नूं देश निकाला देण उत्ते गड़बड़ होण दा सरकारी अफसरां नूं बड़ा डर सी। पंजाब सरकार लागन नूं वार वार इस गल दी हदायत करदी रही। हुक्म सी 21 दसंबर 1849 ईस्वी नूं सवेरे 7 बजे महाराज लाहौरों कढ़िया जावे। तैयारी 21 दसंबर नूं सवेरे महाराज उठिया, आखरी बार अपने पिता शेरे पंजाब दी समाध उत्ते गया ते सुरगवासी दे पैरां वल्ले बैठा चोखा चिर हौके भरदा रहा। दलीप सिंह चुप सी पर उहदी चुप विचों वी अनेकां कीरनियां दी आवाज़ आ रही सी। जे फुरमाने जुबां बंदी बजा बिल्कुल बजा, लेकिन खामोशी से भी लबें फरियाद बनकर बोल सकती है। उसदे मूँह कोई आवाज़ नहीं सी निकलती पर उहदियां आहीं कंधां विचों वी फुट फुट के निकल रही सन। पिता का सत्थर मल बैठना भी वधेरे चिर नसीब ना होया। तैयारी का हुक्म आ गया। हर तरह की तैयारी हो जाण ते सवेरे 9 बजे दलीप सिंह लागन की राखी विच लाहौरों निकलिया। कहा चंद्रा समा सी जद लेखां दे बली महाराजे ने घरों पैर बाहर कढ़िया। देश निकाला कैसी घड़ी थी घर से, जो निकला था वह गरीब, फिर देखना नसीब ना उसको वतन हुआ। 7 बजे की थां लागन 9 बजे तुरिया ते सिर्फ 20 सिपाही नाल लैके। ये वेख के पंजाब सरकार का प्रधान लारेंस घबरा उठा। उन्हें उस वेले लागन नूं हुक्म भजवाया। वक्त 7 बजे का दिता सी पर सरकार दे प्रधान ने वेख्या है कि तुसीं 9 बजे तुरे हो। वह ये वेख के हैरान रह गया कि तुहाडे नाल केवल 20 सिपाही सन ते अफसर कोई नहीं सी। याद रहे कि सब तो वड्डा डर तुहानू राह विच है, सो घट तो घट 100 असवार तुहानू नाल रखना चाहिए है। इस तो वक्री एक पैदल फौज हर पड़ाव उत्ते चाहिए है जो अद्धे राह तक तोर के आवे, अगली फौज अद तो लै लवे। जिस तो तुहानू राखी करनी पवेगी वह फौजी हमला नहीं होगा, सगों सैकड़े उन्हां बंदियां दा टाकरा करना पवेगा जो बेखौफी नाल अपनियां जानां वारन वास्ते तैयार होणगे। रात नूं महाराजे दे डेरे विच चानण रखिया जावे ते दूरे पहरे लाए जाण, खासकर रात नूं गोरे सिपाही पहरा देण। महाराजा दलीप सिंह शिवदेव सिंह महाराजा शेर सिंह दा पुत्तर ते उसदी माता फिरोजपुर नूं जा रहे सन। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी दा शहीदी अस्थान अज छड्डिया मुड़ के वेखना नसीब नहीं होना। सदा वास्ते जा रहे अपने महाराज नूं पंजाब दी पवित्र धरती दे जर्रे अपना आने वाला दुख सुनाउण वास्ते उड उड के मिल रहे सन। चलिया दलीप सिंह जां छड के इस देश नूं सदरां कुरलाइयां तक के मातमी वेस नूं बादशाह कैदी बन के तुरिया परदेस नूं पिट दे अरमान चले। आखर नूं नाल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। अरुणा पंजाब ताही जनता ने मारियां, दर्दी दिल इस विछोड़े चीरे तर आरियां, कईआं दीआं रह गईआं मन विच रीझां कुआरियां, आवे दिल मूँह नूं मुड़ मुड़ खा के ओ बाल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। घर घर विच मातम मच्ची हाल पुकारिया, सिंघां दा झंडा चुकिया गैरत दा मारिया, ढह गया रणजीत दा अज महल उसारिया, हीरियां नाल खेडण वाला हो गया कंगाल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। जाने की बाल अयाणा की सिर पैणियां, सोल जई जिंद तकलीफां किन्नियां को सहणियां,
मित्रां दियां अखां वैरी ज्यों भी नहीं रहणियां, सज्जण बन ध्रोह करनगे। किस नूं सी ख्याल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। रूह परदेसी बह के लिखी तकदीर नूं रेशम विच पलिया, सहकू पाटी हुई लीर नूं निकलेगी जान तरसदी। अरावी दे नीर नूं दिल विच अंगियार बनणगे, बीती दे ख्याल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। रह गया ना कोई जिसदा दुनिया हथियारी ते, मुड़ मुड़ राह तकू तेरा चढ़ के अटारी ते। सीतल की गुजरेगी उस अबला बेचारी ते, जादा दी छुरी करेगी नित नित हलाल जी आउणा नहीं फेर परत के, जिंदा दे लाल जी आउणा नहीं फेर परत के। 23 दिसंबर नूं महाराजा सरकार वल्लों लागन नूं फिर हुकम पुजा, सारी रखवाली फौज महाराजे दे नाल रिहा करो, जमुना पार होण तक रोज़ाना हाल भेजदे रहो, ते फिर हफ्ते पिछों जद तक फतेहगढ़ ना पहुँच जाओ। इसे दिन फिरोजपुर लुधियाणा ते अंबाला दे कमिश्नरां नूं ते सहारनपुर मुजफ्फरनगर ते बुलंदशहर दे मजिस्ट्रेटां नूं भी सरकारी हुक्म पहुँचे कि वह आपो अपने थावां ते महाराजे दे डेरे की राखी करन। यह भी हुक्म सी कि राह विच आम लोगों नूं महाराजे नूं मिलण दी जां उसदा स्वागत करन दी आग्या ना दित्ती जावे। फतेहगढ़ पुजना जीवन खेड विच हारे हुए राही वांग दलीप सिंह फतेहगढ़ नूं जा रहा सी। अंबाले विच उसने पहलों पहल अंग्रेजी नाच वेख्या। 20 जनवरी 1850 नूं ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੁੱਜਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 17-18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੋ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਟਰ ਗਾਈਜ਼ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਟਰ ਗਾਈਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਟਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ 15 ਫਰਵਰੀ 1850 ਨੂੰ ਲਾਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਈਸਾਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੇਜਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਛਾਉਣੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਸੀ। ਲਾਗਨ ਨੇ ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਗਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਕਰ
जो थोड़े बहुते नाल आए सन हटा के उन्हां दी थां नवें आदमी रख ले। 250 रुपए महीने ते गाइज रखिया गया। बरलो दी थां एक होर अंग्रेज रख लिया। बग्गी दा कोचमान भी एक अंग्रेज 150 रुपए महीने ते रख लिया। मुक दी गल चुफेरे अपने इतबारी ते ईसाई ख्यालां दे नौकर ला दिते गए। इत्थे महाराजे कोल 300-400 नौकर, 3-4 बग्गियां, 20-30 घोड़े, 5-6 हाथी सन। सवेर शाम रोज़ महाराजा सैर करन जाया करदा सी। कदे 4 अरबी घोड़ियां दी बग्गी अंग्रेज कोचवान वाली हुंदी, कदे चांदी दे हौदे वाला हाथी ते कदे वधिया घोड़ा। महाराजा घोड़े दा चंगा असवार सी। उहदे नाल शहजादा शिवदेव सिंह ते कुछ अंग्रेज मित्र हुंदे। हर वेले लागन जां गाइज नाल रहिंदे ते राखी वास्ते गवर्नर जनरल दे इतबारी 25 सिपाही ते अफसर भी हुंदे। असल विच महाराजा इत्थे कैदी सी। लागन दा दलीप सिंह ते किन्ना सख्त काबू सी इस छोटी जी घटना तो पता लग जाएगा। जो लागन ने 16 जुलाई 1850 की चिट्ठी विच लिखी है। एक दिन महाराजा मीह वर दे विच बाग विच भिज गया। लागन ने उस नूं भिजे हुए कपड़े उतारन वास्ते कहा तां उन्हें अगों इनकार कर दिता। लागन ने महाराजे नूं कमरे विच बंद कर दिता ते अद्धा घंटा वक्त सोचण वास्ते दिता। कुछ मिंटां पिछों ही वह हौके भरदा लागन कोल गया ते कहा, ऐदनामे अनुसार मैं जिवें चाहवां कर सकदा हाँ। अगों लागन ने ताड़ना करदिआं कहा, ऐदनामे विच कोई अजिही शर्त नहीं। मैनू तेरे उत्ते हाकम लाया गया है ते इस वेले मैं ही तेरा मां बाप हाँ। मैं ही सोच सकदा हाँ कि तेरी भलाई किस विच है। उस तों पिछों दलीप सिंह बड़ा आग्ञाकार रहा डरदा। महाराजा शेर सिंह दी राणी। नेड़े ही वक्खरे बंगले विच महाराजा शेर सिंह दी राणी रहिंदी सी। वह कांगड़े दे उग्गे घराने विचों महाराजे दी सब तो छोटी राणी सी। वह बिल्कुल सादा लिबास विच रहिंदी सी ते गहना कदे नहीं सी पाउंदी। वह आम सफेद मलमल दा दुपट्टा सिर ते रखदी सी। वह हर वेले घर विच ही रहिंदी सी ते कोल उसदा भरा मियाँ उत्तम रहिंदा सी। शिवदेव सिंह दिने महाराजा दलीप सिंह कोल रहिंदा सी ते रात नूं अपनी मां कोल सौंदा सी। दोवें चाचा भतीजा खेड दे चंगे लगदे सन। महाराजे दे गल विच मोतियां दी माला हुंदी सी ते शहजादा पग दे उत्ते सोने दी जंजीरी पहनिया करदा सी। राणी शिवदेव सिंह नूं रोटी घर विच सदा आप खवाउंदी सी ते महाराजा भी बहुत वार उहदे घर जांदा सी। वह बड़ी खूबसूरत समझदार पतिव्रता विधवा सी। लोकां दा ख्याल सी कि वड्डी भरजाई होण दे कारण महाराजा उस नाल पुनर्विआह कर चादर पा लवेगा, पर लोग यह की जानन कि डलहौजी किसी भी सिख जां सिख घराणे नाल महाराजे दा मेल जोल पसंद नहीं करदा। महाराजे दे जन्मदिन उत्ते अंग्रेज अफसरां नूं न्यौंदे दावतां दित्ते जांदे ते दिल खोल के पैसे लुटाए जांदे। जिहड़ा 10,000 रुपया महीना उस नूं मिलदा सी उह इसे तरह उड़ाया जांदा। कुछ अंग्रेज नौकरां नूं वधेरे तनखाहां देण विच ते कुछ प्रीति भोजना दावतां जां तोहफ़ियां ते इनामां विच। जेब दलीप सिंह दी सी ते हथ लागन दा। फिर सरफा कहा, लागन अपनी इस्त्री नूं लिखदा है, सच जाणो कि मैं महाराजे दे खर्च उत्ते मन मर्जी दीआं मौजां माण सकदा हाँ, जिवें उह सब कुछ मेरा आपणा हुंदा है। महाराजा ते शेर सिंह दी भैण ते कुरग दी शहजादी। महाराजा दलीप सिंह छोटा हुंदा ही राजा शेर सिंह अटारी वाले दी भैण नाल मंगिया होया सी। अंग्रेज शेर सिंह नूं सब तो वड्डा वैरी समझदे सन। डलहौजी ते लागन यह किवें कह सकदे सन कि महाराजा शेर सिंह दी भैण नाल विआह करावे। सो रोज़ शेर सिंह दे विरुद्ध महाराजे दे मन विच जहर भरिया जांदा। इस चुकणा दा सदका अंत महाराजे ने आख दिता कि मैं शेर सिंह दी भैण नाल विआह नहीं करवाउणा। लागन 16 जुलाई 1850 दी चिट्ठी विच लिखदा है, दलीप सिंह ने शेर सिंह दी भैण नाल विआह करन तों इनकार कर दिता है। मैं चाहुंदा हाँ कि राजा कुरग जो ईसाई हो चुका है दी लड़की जो बनारस विच आई हुई है ते जिस नूं अंग्रेज बच्चियां वांग पालिया गया है, जिस नूं राजा
उच्ची विद्या वास्ते वलायत भेजण नूं तैयार है। दलीप सिंह अपनी राणी बनाउण वास्ते चुन लवे। लड़की 8 साल की उम्र की बड़ी सुशील ते सुंदर है। लागन यह भी चाहुंदा सी कि दलीप सिंह अपने शाही महल खूहां बैठा है उसके वास्ते फतेहगढ़ विच सुंदर बाग ते शानदार घर बनाया जाए, पर यह सब कुछ करन वास्ते गवर्नर जनरल की मंजूरी चाहिदी सी। लागन ये सारे सवाल डलहौजी पासों पुछदा है, जिसका जवाब डलहौजी वालों 8 अप्रैल 1850 विच आउंदा है। मेरी सरकारी चिट्ठी जो देर नाल भेजी गई है तुहानू जाणू करवा देवेगी कि मेरे ख्याल विच महाराजे वास्ते तुहाडे सारे नक्शे वित्तों वध के हन। उसदा आउण वाला जीवन इन्नी शान वाला नहीं होएगा जिन्ना तुसी ख्याल करदे हो। महाराजे दे विआह दा प्रबंध करना साडे वास्ते औखा है। मैं कदे नहीं चाहुंदा कि महाराजे ते सिखां विच कोई संबंध कोई रिश्ता होवे, सगों मैं डट के इस गल की विरोधता करांगा। ना सिखी जज्बात ते ना किसी सिख घराने नाल कोई मेल होण देंगा। महाराजा आप ही चतर सिंह राजा शेर सिंह दा पिता दी लड़की नालों मंगनी नाता तोड़नी चाहुंदा है, शायद वह विआह करावे। वह राजा कुरग दियां लड़कियां विचों विआह वास्ते एक नूं चुन लवे तां मैं ना नहीं करांगा। डलहौजी फतेहगढ़ विच चिट्ठी पढ़ के हिसाब ला लो कि डलहौजी दे इरादे दलीप सिंह बारे की सन। 25 दसंबर 1850 नूं डलहौजी फतेहगढ़ आया ते महाराजे दे घर प्रौहणा रहा। अगलियां गर्मियां विच महाराजे नूं मसूरी जाण दी आग्या मिल गई। इस समय डलहौजी ने एक दरबार कीता जिस विच बहुत सारे देसी राजे सदे। महाराजा दलीप सिंह इस दरबार विच शामिल नहीं होया क्योंकि वह अपने आप नूं सारियां तों वक्खरा रखना चाहुंदा सी। महाराजा हरिद्वार ते मसूरी। दलीप सिंह मसूरी जांदा होया राह विच आगरा दिल्ली मेरठ आदि शहरां दी सैर करदा होया गया ते अंग्रेज अफसरां दे घर प्रौहणा रहा। राह विच हरिद्वार दे दर्शन वास्ते भी गया। उत्थे उन्हीं दिनी बहुत सारे पंजाबी गए हुए सन। इस वास्ते महाराजे दे राखे बड़े डरदे सन। उन्हां डेरा तां एक पासे तोर दिता तां कि किसे नूं पता ना लगे ते महाराजे नूं हाथी ते बिठा के हरिद्वार घाट उत्ते लै गए। उत्थे महाराजे दी पुराणी प्रजा पंजाबियां ने उसनूं पछाण लिया ते उहदे हाथी नूं घेरा पा लिया। बड़ी औखियाई नाल भीड़ वचों हाथी नूं भजा के देहरादून पुजे। इत्थे कुछ दिन महाराजा गवर्नर जनरल दी रखवाली फौज बाडीगार्ड दी राखी विच रहा। मसूरी पहुँच के महाराजे वास्ते जरा दुरेडे बंगले विच निवास दा प्रबंध कीता गया। पहलां तां उत्थे जाण दा चाह सी ते फिर सियाल उत्तर आउण ते भी किन्ना चिर डलहौजी दी मंजूरी उड़ीकणी पई। असल विच गवर्नर जनरल दे हुक्म तों बिना महाराजा एक थां तों दूजी थां ते नहीं सी जा सकदा। दसंबर 1850 विच लागन दी इस्तरी भी आ गई, सो दलीप सिंह दे दिल ते काबू पाउणा वधेरे सौखा हो गया। कुछ अंग्रेज़ लड़के महाराजे दे खर्चे उत्ते उस दे नाल रहिंदे सन। जिथे दलीप सिंह जांदा उह सारा ढिम ढाणा नाल ही जांदा। माल मुफ्त दिले बेरहम वाली गल बणी होई सी। फिर प्रगट ये कीता जांदा कि यह सब कुछ महाराजे की भलाई वास्ते कीता जांदा है। महाराजा दलीप सिंह ते गौरमेंट का करता पन्ना 99 ते लिखता है, महाराजे दे बचपन तो ही हर घटना बारे उहदे दिल ते इहा असर जमाउण की कोशिश कीती जांदी कि उहनूं बड़ी वड्डी शान विच रखिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी दे वड्डे वड्डी तनखाह वाले नौकरां दा महाराजे दे अफसर ते रखियक नियत करना, साथियां दा चुनाव ते दोस्तां दा उहदे खर्च उत्ते उहदे नाल रहना, सब कुछ उस दे भले वास्ते है। उस दा जाण आउण, उस दी रहणी बहणी, उस दी विद्या, खेड तमाशा ते छोटे छोटे कम्मां उत्ते बंदशां ते सरकारी हदायतां तों इह प्रगट कीता जांदा कि उस दी शान बहिश्त शहजादे दे कायम रखण वास्ते सरकारी हुक्मां नूं मनणा जरूरी है। उस नूं इह आजादी नहीं सी कि जो वह ठीक समझे वह कर सके जां अपने मुल्क विच अपनी शाही शान दे मुताबक रह सके। ये दलीप सिंह दी बाहरली हालत सी। वह चफेरियों अंग्रेजां जां ईसाइयां नाल घिरिया होया सी जो मूहों उसदे मित्र सन ते अंदरों विरोधी।
फतेहगढ़ विच वो पूरी तरह कैद सी। सुवादी गल यह है कि जेड़े उस उत्ते पहरेदार लाए सन वह भी उस तो तनखा लेंदे सन। उसनू इक्के वार अपनियां तो विछोड़ के ओपरियां दे वस पा दिता गया सी। महाराजा ईसाई किवें बनिया? बालक महाराजे दा राज भाग ते देश खो के सज्जन ठग्गां ने बस नहीं कीती, अंत उहदा धर्म भी उस तों खो लिया। उसनू किवें भुचला के ईसाई बनाया गया हुण इस ते विचार करदे हां। जद महाराजे नू पंजाब विच्चों बाहर कढ़िया गया उस दे नाल धार्मिक विद्या दा कोई बंदोबस्त नहीं कीता गया, ना गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ ते ना ही कोई ग्रंथी उस दे नाल फतेहगढ़ लिजाया गया। उस दे नौकरां चाकरां विच्चों कोई भी सिख उहदे नाल नहीं रहण दिता गया। पंजाब दे किसे पतवंते सिख नू महाराजे नू मिलण दी आग्या नहीं सी। महाराजा अपनी मां नाल भी चिट्ठी पत्र नहीं सी कर सकदा। असल विच लाहौर छड्डण दे समें तों ही वह अपने सारे मित्रां ते संबंधियां तों वक्ख कर दिता गया सी। ते जिहड़ा महाराजे दा रक्षक बनाया गया डॉक्टर लागन, उस दे दिल विच महाराजे नूं ईसाई बनाउण दी किन्नी प्रबल इच्छा सी कि उस दीआं निजी चिट्ठियां तों ही सिद्ध हो जांदा है। उह 6 मई 1849 ईस्वी नूं चिट्ठी विच अपनी पत्नी नूं लिखदा है, महाराजा मेरे कोलों अंग्रेजी सबक सीखण विच बड़ा खुश है। मैं उसनूं अंजील दा सिद्धांत लिखण ते तर्जमा करन वास्ते दिता है। मैं इरादा हुंदिआं होइआं वी उस दे हथ विच अजे अंजील नहीं दे सकदा, उसनूं अपना ज्ञान वधाउण वास्ते इहो जे सिद्धांत दिंदा हाँ। लागन फिर 15 फरवरी 1850 ईस्वी दे खात विच लिखदा है, मेरी प्रबल इच्छा है कि इस बालक महाराजे ते शहजादे शिवदेव सिंह उत्ते बतौर ईसाई साडा चंगा असर पवे ते साडी वलायत दी रहणी ते अंग्रेज इस्तरी दे चलण दी शरदा उस दे दिल विच पैदा कीती जावे। 27 फरवरी 1851 दी सरकारी रिपोर्ट विच लागन लिखदा है, मैं इस गल नूं मंदा हाँ कि महाराजा मैथों अंजील पढ़न दी आग्या मंगदा तां मैं विरोध ना करदा। इस रिपोर्ट विच अगे चल के उह लिखदा है, पिछले कई वरियां तों महाराजे नूं सिख धर्म दे असूलां वल्ले ध्यान देण दा समां नहीं मिलिया। महाराजे दे ईसाई होण ते 2 जून 1853 ईस्वी नूं लागन लिखदा है, भावें महाराजे दे ईसाई होण तों पहलां ही मेरी इह ख्वाहिश सी, पर हुण तां मैं दस नहीं सकदा कि इस घटना ईसाई होण नाल मेरी खुशी किन्नी वध गई है। सो जिथे पहलां तों ही इन्नी प्रबल इच्छा सी कि दलीप सिंह नूं ईसाई बनाउण दी ते खास कर उस आदमी दे दिल विच जिस ने न्यासरे बालक नूं अपनी गोद विच लिया सी, तां उह ईसाई बणदा भी किवें ना। उस दे दिल नूं सिखी वलों मोड़ के ईसाई धर्म वल्ले लाउण बदले लागन ने बड़ी चातरी दा काम कीता। लाहौर छड्डण पिछों गुरबाणी ते गुर इतिहास तां महाराजे वास्ते सुपना हो गए सन। हाँ, अंजील ते ईसाई मत दी चर्चा चौफेरे जरूर खिलर गई सी। उस दे फारसी पढ़ाउण वाले उस्ताद कोल ते उहदे हजूरी नौकर करीम बख्श कोल फारसी दी अंजील सी जो उसनूं पढ़ के सुनाई जांदी सी। जिन्हां किताबां राहीं महाराजे नूं विद्या दित्ती जांदी सी उहनां विच वी बहुते हिस्से ईसाई मत दी वडियाई दे सन। भजन लाल फतेहगढ़ पुज्जण तों थोड़ा चिर पिछों ही करीम बख्श नौकरी छड के पंजाब आ गया ते उहदी थां हजूरी खिदमतगार भजन लाल रख लिया गया। ਉਹ ਬਰਖਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਰਖਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਉੱਪਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
एक वो आप ही केसा वाला सी। महाराजा शेर सिंह दी राणी ते दलीप सिंह। महाराजा शेर सिंह दी राणी ने यह अफवाह सुनी तो उसके दिल विच इस गल का पक्का पता करन दी इच्छा हुई। एक दिन उसने लेडी लागन नू कहा कि महाराजा मैनू मिलन क्यों नहीं आउंदा। इस दे उत्तर विच एक दिन महाराजा दलीप सिंह ते लेडी लागन दोवें राणी दे घर गए। अगों सहजादे शिवदेव सिंह ते उस दे मामे मीए उत्तम ने उन्हां दा बड़ी चंगी तरह स्वागत कीता। राणी फलां दे शरबत बनाउण विच बड़ी सियाणी सी। रस्मी गल्लां करन पिछों उसने एक गलास विच शरबत पा के महाराजे दे पेश कीता। उसने गलास लेडी लागन दे हवाले कीता। लेडी लागन ने यह समझ के कि महाराजे वास्ते होर आवेगा वो शरबत पी लिया ते गलास थाल विच रख दिता। राणी ने उसे तरह लेडी लागन दे जूठे गलास विच होर शरबत पा दिता ते महाराजे वल वधाया। लेडी लागन ने कहा महाराज जूठे गलास विच ना पीओ। पर दलीप सिंह ने इस गल की कोई परवाह ना की। गलास फड़ के शरबत पी लिया। पर उसे वेले भरजाई नूं नमस्कार करके दलीप सिंह बाहर निकल आए। बाहर आ के लेडी लागन ने फिर कहा महाराज तुसी जूठे गलास विच शरबत क्यों पी लिया। अगों दलीप सिंह ने उत्तर दिता अजिहा ना करके मैं तुहाडा निरादर करदा। हुण राणी सब कुछ समझ गई है ते मैं किसे तो कोई शर्म नहीं करदा। मैं धर्म त्याग चुका हाँ। राणी नूं डलहौजी दी ताड़ना। इस घटना तो राणी नूं तसली हो गई कि दलीप सिंह सिखी तो पतत हो चुका है। उसके अंदर ख्याल पैदा होया कि दलीप सिंह दे ईसाई होण पिछों केवल उसका पुत्र शिवदेव सिंह ही सिखां दा सही आगू रह जांदा है। अंत उह सिखां दी राजगद्दी ते बहेगा। शिवदेव सिंह ने भी मूहों कुछ अजिहियां गल्लां कहणियां आरंभ कर दित्तियां। जदों इस गल दा लार्ड डलहौजी नूं पता लगा उसने डॉक्टर लागन नूं इह चिट्ठी लिखवाई तुसीं राणी नूं साफ दस दिओ कि पंजाब दा राज सदा लई खत्म कर दिता गया है। उसदे दुबारा हासिल करन बारे सोचना उसदे पुत्तर दी जां किसे होर दी बादशाही दे सुपने लैणा सरकार दे विरुद्ध जुर्म करना है। इह उसदा फर्ज है कि इस बारे वह अपने पुत्र नूं समझा के रखे। अगे वास्ते जे कदे उन्हें जां उहदे पुत्तर ने अपनी ताकत वधाउण दी आस जां फुरने प्रगट कीते जां जिस हालत विच उह होण हन इस नालों वधेरे सोचण बाबत पता लगा तां उहनां दे हक विच इह बहुत बुरा साबित होवेगा। लागन ने राणी नूं बड़े हाकमाना ढंग नाल ताड़ना कीती कि मुड़ के अजिही गल उन्हां दे मूहों ना निकले। विचारे शिवदेव सिंह दे सुपने इत्थे ही मुक गए। इस शरबत वाली घटना तो पिछों दलीप सिंह खुल्लम खुल्ला आखण लग पिया कि मैं ईसाई हो जाना है। महाराजा दलीप सिंह दे ईसाई होण दा तां फैसला हो गया। हुण बाकी सी लोकां दीआं अखां विच घट्टा पाउणा इह साबित करना कि महाराजा अपने आप ईसाई होया है। असां लागन आदि इस विच कोई हिस्सा नहीं लिया। लागन ने इस काम नूं बड़ी चातरी नाल निभाया। कैंबल नवंबर 1850 विच डॉक्टर लागन एक महीने की छुट्टी लैके अपनी इस्त्री नूं लैण वास्ते कलकत्ते गया। पिछों उसकी थां कैप्टन कैंबल फतेहगढ़ रहा। इसे समय दलीप सिंह का ईसाई होण का इरादा प्रगट किया गया। भजन लाल हर वेले महाराजे दे कोल रहिंदा सी ते उस नूं अंजील पढ़ के सुणाउंदा हुंदा सी। इस दा जिक्र महाराजे दी चिट्ठी विच है जो उसने 2 दसंबर 1850 नूं फतेहगढ़ तों लागन नूं लिखी कि कृपा करके मैनूं एक सुंदर अंजील भेजोगे, मैं उस नूं पढ़न दा बड़ा चाहवान हाँ। भजन लाल कल मैनूं पढ़ के सुना रहा सी। आप दा सच्चा मित्र दलीप सिंह महाराजा। फिर 7 दसंबर नूं महाराजा लिखता है मैं अंजील शुरू कर दिती है ते एक दो कांड रोज सुनदा हाँ। ते अंत 9 दसंबर नूं महाराजा लिखता है तुसी हैरान होवोगे, मैं ईसाई धर्म धारण करन दा पक्का इरादा कर लिया है। जिस धर्म विच मैं पढ़िया हाँ उहदी सच्चाई उत्ते मैनूं चिर तों शक है। मैनूं अंजील मत की सच्चाई उत्ते भरोसा हो गया है। मैं कैप्टन कैंबल नूं कहा है कि वह आप नूं इस संबंध विच लिखे। पाठ के ना भुलण
कि इस वेले दलीप सिंह की उम्र 12 साल की सी ते इन्नी उम्र के बालक ने एक हफ्ते विच अंजील सुन के ये फैसला कर लिया कि सिक्खी नालों ईसाई धर्म चंगा है कि नहीं। अनोखी सच्चाई ये क्यों नहीं कहा कि 11 साल के बच्चे नू सिक्खी नालों बिल्कुल वख करके उसके दिल विच हर ढंग नालों ईसाई धर्म का ढंग जमाउण दे जतन किए गए जिन्हां नू कई थाई लागन अपनियां चिट्ठियां विच मंदा है। दलीप सिंह दे मुसलमान हजूरीए नौकर कोल फारसी दी अंजील सी जो उसनू सुणाउंदा हुंदा सी। उहदियां नित पढ़न वालियां किताबां विच थां थां ईसाई धर्म की चर्चा सी। भजन लाल रोज़ अंजील सुणाउंदा सी ते उहनू लाया ही इस काम वास्ते गया सी। कैंबल दी रिपोर्ट हुण कैप्टन कैंबल दी सुणो। उह 20 दसंबर 1850 नू गौरमेंट नू रिपोर्ट भेजदा है। 8 दसंबर ऐतवार नू मास्टर थॉमस कार्ट राही महाराजे ने अपनी ईसाई बन की इच्छा प्रगट की। इस तों घंटा कु पिछों मैं महाराजे नू वखरा लै गया ते बड़े ध्यान नाल इस विषय उत्ते पुछगिछ की। उस दे उत्तर दा भाव यह सी, मैं बड़े चिर तों समझ चुका हाँ कि पंडित मेरे सामने कोरा झूठ बकदे आए हन जां जो पंडित दसदे हन झूठ है। हुण मैं यह दसणों नहीं रुक सकदा कि मेरा निश्चा अंजील विच है जो मेरा एक आदमी मैनू चिर तों सुणाउंदा आ रहा है। हुण मैं ईसाई बनण दा पक्का फैसला कर लिया है। महाराजे दे कहण उत्ते मैं अगले दिन ही सब कुछ लागन नू लिख दिता जिसका उत्तर मैनू अज सवेरे मिलिया। लागन नहीं चाहुंदा कि महाराजा अपनी रहनी बहनी जां धर्म विच कोई अदला बदली करे जिस नाल उहदे सिख सेवकां नू कोई दुख होवे। उसकी राय है कि महाराजे दे अजिहे भाव हुणे प्रगट करना अजे अगेता है। सो होर कोई गल नहीं, सिर्फ यह कि अजे समा नहीं आया, वेले तो अगेतरी घटना होण दा डर सी। लागन दी चिट्ठी कैंबल दी रिपोर्ट पढ़ के गवर्नर जनरल ने कई सवाल पूछे जिन्हां दे उत्तर विच लागन ने फतेहगढ़ तो 20 जनवरी 1851 नू लिखिया, मैं हजूर दे पढ़न वास्ते भजन लाल दे बयान भेजदा हाँ जो उसने मैनू लिखाए। जद तो महाराजे ने अपना धर्म त्यागण दे विचार करने आरंभे हन तद तो वह उसका पेती है। उसके बयान भावें अनोखे शब्दों विच हन पर मेरे ख्याल विच भरोसे योग हन। पहला तो मेरा ख्याल सी कि महाराजे की ईसाई बन की इच्छा एवें दिली उबाल है जो मित्रता ते शुभ इच्छा दे उन्हां ख्यालां दा नतीजा है जिहड़े महाराजे दे दिल विच ईसाइयां बारे हन। मैं चिट्ठी राही उसनूं वरजिया कि जद तक वह अपने सिख नौकरां नूं धर्म त्यागण दे कारण चंगी तरह आप ना समझा लवे तद तक वह अपनी रहनी बहनी ते धार्मिक कम्मां विच कोई तब्दीली ना करे तां कि उसदे सिख साथियां नूं कोई नाराजगी ना होवे। मैं हजूर नूं यकीन दवाउंदा हाँ कि महाराजे नूं अपने लोकां दा धर्म सिखी त्यागण दी प्रेरणा करन विच कोई अजोग रसूख नहीं वरत्या गया। साफ सिद्ध है कि अजोग नहीं पर जोग रसूख जरूर वरते गए हैं। अंदरला डरदा सी ना पिया सो अपने कीते गुनाहां तों बचण लई इह वी जरूरी सी कि दलीप सिंह ईसाई बनण बारे सारिआं नूं अपने मूहों दस लवे। भजन लाल दे बयान भजन लाल दे बयान जो डॉक्टर लागन नूं लिखवाए फतेहगढ़ 17 जनवरी 1851 जदों तों मैं महाराजे दी नौकरी विच आया हाँ हुण तक जो कुछ उहनां दे धर्म छड्डण बारे जाणदा हाँ बयान करदा हाँ। जदों महाराज ने एक अंग्रेजी किताब इंग्लिश इंस्ट्रक्टर पढ़नी शुरू की जिस दे अखीर विच कुछ सत्रां ईसाई मत बारे सन तुसां अकेरा महाराज नूं कहा सी इह गल्लां साडे धर्म दीआं हन जे पढ़ना चाहो तो पढ़ो नहीं तो छड्ड दिओ। महाराजे ने मैनू कहा कुछ परवाह नहीं मैं ये पढ़ांगा क्योंकि मैं सब कुछ जानना चाहुंदा हाँ। फिर वह पढ़िया गई मैं हर वेले उन्हां दे कोल रहिंदा हाँ। वह मैथों साडे धर्म शास्त्रां बारे कई सवाल पुछिया करदे सन जिवें गंगा जी विच इशनान करन दा की लाभ है जे असीं माड़े काम करिए ते नहाइए गंगा विच तां कि असीं सुरग विच जा सकांगे। मैं उत्तर विच कहा महाराज साडे शास्त्रां विच इह लिखिया है पर मैं ये नहीं जानता
कि असी सुरग विच जावांगे जां नरक विच, तां उन्हां ने कहा ठीक, ये साडे कर्मां ते निर्भर है। वह अजिहियां गल्लां करिया करदे सन। विसाख दे महीने विच महाराज ने साडियां कुछ धर्म पुस्तकां सुणनियां आरंभ कीतियां। एक पोथी विच एक राजे दी साखी सी जिहड़ा रोज रोटी खाण तों पहलां 10,000 गऊआं दान करदा सी। इस तरह वह 10,000 गऊआं रोज पुन करदा रहा। एक बार उन्हां गऊआं विचों एक गऊ उहदे नौकर भुलेखे नाल मुल लै गए ते राजे ने वह पुन कीती, जिस कारण वह राजा नरकां विच गया। कथा मुक्की ते पंडित चला गया। महाराजे दे नौकर जवंदे ने कहा, वेखो महाराज, ये असंभव नहीं कि राजा रोज इन्नियां नवियां गऊआं लै सकदा सी। महाराजे ने उत्तर विच कहा, हाँ ये बकवास है, इसे वास्ते पंडितां दे दसे उत्ते मैं भरोसा नहीं करदा। इस तरह की चर्चा कई बार हुंदी ते उन्हां दी राय बड़ी उच्ची ते निंगर हुंदी। साहिब आप दे कलकत्ता जाण तों थोड़ा चिर पिछों महाराजे ने मेरे हाथ विच अंजील मुकद्दस वेखी ते कहा कि ये मैनू मुल देवेंगा। उत्तर विच मैं कहा, महाराज, मैं ये वेचनी नहीं चाहुंदा, पर मैं ये आपदी भेटा कर सकदा हाँ, जे आप किसी की मदद बिना इसका एक कांड पढ़ लवो। तो उन्हें पढ़ लिया तो मैं अंजील उन्होंने भेटा कर दिती। फिर मैं उन्होंने आग्ञा अनुसार पढ़ के सुना रहा। मैनू यकीन है कि मैं कदे किसी अंग्रेज़ नूं उन्हां नाल धार्मिक विषय उत्ते गल्लां बातां करदियां नहीं सुनिया सी। इस तों एक साता पिछों महाराजा ने कैप्टन कैंबल ते मिस्टर गाइज़ नूं अपना इरादा दसिया कि मैनू ईसाई धर्म सच्चा ते अपना झूठा मालूम हुंदा है। तद उन्हां ने कहा, चंगा महाराज, जे तुसीं दिलों ये समझदे हो तां बड़ा चंगा है, ते असीं बड़े प्रसन्न होवांगे जे तुसीं इस नूं समझ सको। तां मैं चंगी तरह जानदा हाँ कि महाराजे ने जो कुछ किया कीता वो अपनी मर्जी नाल किसी दे लभाउण फुसलाउण ते नहीं। जदों मैं महाराजे नूं पुछया कि आपदा सच्चा निश्चा है जां ठट्ठा करदे हो, तां उन्हां ने उत्तर दिता, मेरा पक्का निश्चा है ते मैं जरूर ईसाई धर्म धारण करांगा, क्योंकि बहुत चिर पहलां तों मेरी इह कुछ करन दी सलाह है। इस तों अगे भजन लाल महाराजे दा अंग्रेज़ लड़कियां टॉमी स्कॉट ते रॉबी कारशोर नाल चाह पीण दा जिक्र करदा है ते अंत विच फिर लिखदा है, मैं जो कुछ जानदा हाँ सचो सच दस्या है। लागन दी रिपोर्ट। इस तों अगे लागन दी सरकारी रिपोर्ट जो उसने 27 जनवरी 1851 नूं भेजी, वह भी पढ़ लो। कलकत्ते नूं तुरन तों पहलां मेरे कोल इस गल दे मन्नण दा कोई सबब नहीं कि महाराजे ने ईसाई धर्म दीआं गल्लां वल्ले कदे ध्यान दिता होवे, पर मैं जरूर डिठा सी कि ना सिख धर्म ते ना ही हिंदू धर्म ने उहदे दिल ते कोई डूंघा असर पाया सी। कई बार पंडतां दीआं दसियां होईआं शास्त्रां दीआं साखियां उत्ते उसने शक कीता। कई बार सिखां ते हिंदुआं दे भरमां ते पंडतां ते ग्रंथियां दी खुदगर्जी ते अग्ञानता बाबत उसने बड़ियां बरीक गल्लां कीतियां सन। उसदे दिल दा झकाओ दसण लई मैं एक मिसाल दसदा हाँ। मेरे कलकत्ते नूं तुरन तों 15 दिन पहलां एक दिन वह अपने नौकर सने मेरे कमरे च आया, जिस तरह वह कई बार आउंदा हुंदा सी। मैं बत्ती दे चानने पढ़ रहा सां। इस विषय ते गल्लां चल पईआं कि सितारियां दे प्रबंध विच पृथ्वी दा की दर्जा है। उन्हें मैनूं पुछया, चंद ग्रहण किवें लगदा है? मैं उसनूं बड़े सादे ढंग नाल समझाउण दा यतन कीता। प्रतीत हुंदा सी मैनूं सफलता होई ते उहदी तसल्ली हो गई। उह हिंदुस्तानी विच भुड़क उठिया, 2-3 साल होर ठहरो तदे मैं सब कुछ सिख लवांगा, फिर मैं पंडितां नूं चंगा पिटांगा। मैनूं यकीन है इस तों वधेरे इस विशे ते कुछ नहीं किया गया सी। जदों मैं कलकत्ते सां महाराजे ने मैनूं उर्दू ते अंग्रेजी विच चिट्ठियां लिखियां। 2 दसंबर दी चिट्ठी विच उसने मैनूं पहली बार दस्या कि उसदा नौकर भजन लाल उसनूं पवित्र अंजील सुणाउंदा है। उसने यह भी इच्छा प्रगट कीती है कि मैं उस वास्ते अंजील लई आवां। 7 दसंबर नूं ही उसने यह लिखिया कि मैं अंजील सुनदा हाँ।
इस दे मगरों 9 दसंबर नूं महाराजे दे अपने हथीं लिखिया खत मिलिया जिस विच उहने ईसाई मत धारण करन दा पक्का इरादा प्रगट कीता सी क्योंकि जिस धर्म विच उह जम्मिया पलिया सी उहदी सच्चाई उत्ते उस नूं शक अते अंजील दे धर्म दी सच्चाई उत्ते निश्चा सी। सो चिर तों उह भजन लाल कोलों सुणिया करदा सी। कप्तान कैंबल ने भी चिट्ठी विच महाराजे दी इह चर्चा लिखी सी जिहड़ियां नित उस नाल मेरियां गल्लां बातां हुंदियां सन। उस तों इह प्रतीत हुंदा सी कि छोटी उम्र तों ही उस नूं सिख धर्म ते हिंदू मत दी सच्चाई उत्ते शक उठते रहे सन ते मुसलमानी ते ईसाई मत नूं उह चंगा जाणदा रिहा सी। ज्यों ज्यों उह वड्डा हुंदा गया ते उहदा संबंध ईसाइयां नाल वधदा गया उसका झुकाओ उन्हां दे मत ईसाई धर्म वल वधेरे हुंदा गया। भावें उह उन्हां दे असूलां बाबत मामूली जाणदा सी ते इस विशे उत्ते उस नूं बहुत थोड़ा दस्सिया गया सी। अगे कुछ भजन लाल का जिक्र है जो असी लिख रहे हैं। इस तों महीना को पहला महाराजे ने अपनी खेडण दे हाणी सकाट नूं भी दस्सिया कि मैं भी ईसाई होना है। कई कारणां करके तां इह चंगे भागां दी गल है। महाराजे ने अपना इरादा अजिहे समय प्रगट किया जदों उसका अंग्रेजी का ज्ञान अजे अधूरा है ते इस बोली विच दसी गई धार्मिक सिक्ख्या नूं समझना उस वास्ते असंभव है जद तक उन्हूं उहो कुछ हिंदुस्तानी विच ना समझाया जावे। देसी आदमी जो उसदे नाल हन ते उसदे देसी नौकर इस दी विचार कर सकदे हन कि उसदे धार्मिक निश्चयां नूं बदलन वास्ते कोई अजोक ढंग नहीं वरत्या गया। 3 देसी भले पुरशां ते महाराजे दे परोत दे बयान देसी बोली विच नाल भेजदा हां जिस तों तसली हो जावेगी कि उन्हां दी राय विच कोई ना वाजब रोब नहीं वरत्या गया। महाराजे दी सलाह अपने आप बनी है। मैं सदा इस गल नूं मुख रखिया कि ईसाई सदाचार दे असूल जिहड़े महाराजे नूं छोटी उमरे ही सिखाउण दी मेरी इच्छा सी केवल मिसाल बन के उहदे सामने रखे जा सकदे हन। जो कुछ करन दी मेरे सुभा ते इनसाफ ने आग्या दित्ती मैं उह कुछ करन दा जतन कीता ते बाकी खुदा ते छड्ड दित्ता। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਬ ਜਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸੁਆਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ 1852 ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲਾਇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਪ ਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ 20 ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਮਾਰਚ 1853 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤੋਂ ਲੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
बाबर जेल विच चक्कियां चलाईयां सन, जिहड़े धर्म दे वास्ते गुरु अर्जन तत्ती लोह ते धूणियां ताईयां सन, जिहड़े धर्म दे वास्ते गुरु नौवें दिल्ली खून दीआं नदियां वहाईयां सन, जिहड़े धर्म दे वास्ते गुरु दसवें जिंदा चार कुरबान करवाईयां सन, उसे धर्म तो अज दलीप सिंह ने झांसे विच आ मुख पुआ लिया है। चढ़त सिंह दी अणख नूं लाज लाई, हीरा दे के कच वटा लिया है। जिन्हां केसां दे लई बजुर्ग साडे सिर धड़दियां बाजियां लवंदे रहे, केसां वास्ते ही तारू सिंह वर्गे ज्यौंदे खोपड़ी सिरों लहाउंदे रहे, केसां वास्ते ही चढ़े चढ़खड़ी ते केसां वास्ते बंद कटवाउंदे रहे, केसां वास्ते चिणे गए विच कंधां जाना वार के शान बचावदे रहे। जिन्हां केसां विच सिखी दी जान हुंदी उहा केस दलीप सिंह कटा दिते, अरबी राज दे उच्चे निशान सीतल कदमां गैरां दे उत्ते चुका दिते। महाराजा दलीप सिंह दे सवा सवा गज लंबे केस लेडी लागन दी भेटा हो गए। जिहड़ी सिखी सरदार बुढ़ा सिंह ने हासिल कीती सी वह दलीप सिंह ने ईसाई मत तो कुरबान कर दिती। उसके ईसाई होने ते बोमसन हैनरी लारेंस फ्रेंडरिक करी बिशप विल्सन लॉर्ड डलहौजी आदि वालों वधाई पत्र पुजे। डलहौजी की खुशी की हद ना रही। वह 12 मार्च नूं लिखता है, हिंद के इतिहास में यह अनोखी ते सुहावनी घटना है। साढ़े राज विच आया होया विचों ये पहला शहजादा है जिसने ओपरियां दा धर्म धारण किया है। वलैत भेजण दे विचार हुण दलीप सिंह नूं हिंदुस्तान विचों कढ़न दी वारी आई। जदों तों लागन आया उदों तों दलीप सिंह दे दिल विच वलैत देखण दा ख्याल भरन लगा। शायद मुल्लां किसे मोमन दे दिल विच बहिश्त वेखण दा इन्ना चाह पैदा ना कर सकिया होवे जिन्ना लागन ने महाराजे दे वलैत वेखण दा कर दिता। हुण बहस इस गल दी सी कि दलीप सिंह इकला वलैत भेजिया जावे जां शिवदेव सिंह भी नाल ही। लागन ने महाराजे दे दिल विच इह इच्छा भी पैदा कर दित्ती कि शिवदेव सिंह उस दे नाल वलैत जावे, मगर डलहौजी दी राय इस दे उल्ट सी। वह कहिंदा सी कि एडे छोटे बच्चे नूं उस दी मां तों विछोड़ना ठीक नहीं, पर लागन इस गल ते बड़ा जोर दिंदा सी कि शिवदेव सिंह नाल ही वलैत भेज दिता जाए। अपनी राय की पुष्टि वास्ते उसने लिखिया, क्योंकि महाराजे ने साडा मजहब धारण करके अपने देश वासियां चों सब राजसी असर गवा लिया है। हुण उह सहजादे नूं ही पुराने शाही घराने विचों अपना सच्चा आगू समझदे हन। सो चंगी सलाह यह है कि जदों तक हो सके शहजादे नूं महाराजे दे नाल रखिया जाए। महाराजे दे वलैत रहण समय शहजादे नूं हिंदुस्तान विच रहण दी खुल देण तों मैं डरदा हाँ कि अपनी वक्खरी ताकत बनाउण विच उसदा हौसला होर वध जाएगा ते उसनूं काबू विच रखना औखा हो जाएगा। पर महाराजे दे नाल हुंदिया उह सुभाविक ही दबिया रहेगा। यह दलील सुन के डलहौजी मन गया कि शिवदेव सिंह नूं वलैत भेजा जावे। वलैत जाण दीआं तैयारियां होण लगियां। गाइज़ नूं इनाम, मिस्टर गाइज़ नूं नौकरी छड्डण उत्ते महाराजे वल्लों 5,000 रुपए इनाम दिवाया गया। जो कुछ गरीब कोलों किसे ना किसे ढंग नाल लै लिया जावे लाहेदा है। टॉमी स्काट जो हुण तक महाराजे दे खर्च ते पलदा सी वास्ते वक्खरा पता नियत कर दिता गया। वलैत जाण दी आग्या, कोर्ट आफ डायरैक्टर्स वल्लों महाराजे नूं वलैत भेजण दी आग्या मिल गई, जिस दी खबर डलहौजी ने 31 जनवरी 1854 नूं दित्ती। मेरे प्यारे महाराजा, मैं आप जी नूं इह दसण विच बड़ा खुश हाँ कि हुणे ही कोर्ट आफ डायरैक्टर्स वल्लों आप दे वलैत जाण दा आग्या पत्र मैनूं मिलिया है। इस भरोसे कि आप नूं इह खबर बड़ी प्रसन्नता बख्शेगी, मैं बड़ी छेती अपने हथीं भेज रहा हाँ। होर लिखण दी लोड़ नहीं, मैनूं यकीन है कि मैं एक बार महाराजे दे फिर दर्शन करन दी खुशी प्राप्त करांगा। आपदा सच्चा ते वफादार मित्र डलहौजी। भजन लाल नूं इनाम, हुण तक भजन लाल महाराजे दे नाल वलैत जाण वास्ते तैयार सी, पर उहदे घरदिआं वल्लों रुकावट पाउण उत्ते झटपट ही इह सलाह बदल गई। उस नूं वी नौकरी छड्डण उत्ते 1 घोड़ा ते चंगी रकम महाराजे वल्लों इनाम दवाया गया।
जिस नेक बंदे ने महाराजे नूं ईसाई बनाउण विच लागण दी इन्नी सेवा कीती सी उस नूं जो कुछ भी दिता जांदा थोड़ा सी। शायद इसे वास्ते लेडी लागण ने गिणती नहीं लिखी, चौखी रकम ते एक घोड़ा लिखिया है। फतेहगढ़ छड़ना। महाराजा दलीप सिंह, शहजादा शिवदेव सिंह, डॉक्टर लागण, लेडी लागण ते कुछ नौकर मार्च 1854 ईस्वी विच फतेहगढ़ तो रवाना होए। कानपुर तो होंदे हुए सब लखनऊ पुजे ते उत्थे कुछ दिन रेजिडेंट सुलेमान दे परौणे रहे। इत्थों अगे बनारस विच कुछ दिन रहे। इत्थों पंडित नेमीआह गोरे जो ईसाई धर्म धारण करके इत्थे मिशनरी विच काम करदा सी नूं महाराजे दा देसी बोलियां दा ट्यूटर दो भाषिया बना के वलैत नूं नाल लै गए। बारकपुर विच चढ़दे अप्रैल महाराजा कलकत्ते पुजा। 4 अप्रैल वाले दिन उसने गौरमेंट हाउस बारकपुर विच डलहौजी नाल खाणा खाधा। इत्थे दलीप सिंह नूं 21 तोपां दी सलामी हुई। पिछले पड़ावां उत्ते भी इसे तरह 21 तोपां दी सलामी हुंदी रही सी। इत्थे महाराजा गौरमेंट हाउस बारकपुर विच ही ठहरिया। शिवदेव सिंह वापस मुड़िया। महाराजा शेर सिंह दी राणी शिवदेव सिंह नूं वलैत ना भेजण बारे बेनतियां करदी आ रही सी। उसने अपने चाचे मियाँ मलक नूं कलकत्ते लार्ड डलहौजी पास बेनती करन वास्ते भेजिया। अंतराणी दे इन्ने जतन करन ते सहजादा शिवदेव सिंह वलैत ना भेजिया गया ते कलकत्त्यों वापस आ गया। अंजील भेट 5 अप्रैल 1854 नूं डलहौजी ने महाराजे नूं अंजील भेटा कीती जिस दे पन्ने ते लिखिया सी, महाराजा दलीप सिंह दी सेवा विच इह पवित्र किताब जिस नूं महाराजा खुद दी कृपा नाल सारी दुनिया दीआं बादशाहियां नालों चंगा समझण लगे हन उहनां दे विश्वासी ते वफादार मित्र डलहौजी वल्लों सत्कार सहित भेटा 5 अप्रैल 1854। वलैत नूं जहाजे चढ़न तों एक दिन पहलां डलहौजी ने महाराजे नूं एक वदैगी पत्र लिखिया। गौरमेंट हाउस 18 अप्रैल 1854। मेरे प्यारे महाराजा, हिंदुस्तान छड्डण तों पहलां वदैगी वजों मैं ओह चीज़ आप जी दी भेटा करदा हाँ जो आउण वाले समें विच आप नूं मेरी याद कराउंदी रहेगी। आप बच्चे ही सो जां दुनिया दे हेर फेर ने आप नूं मेरी रक्षा विच दित्ता। उदों तों कई हालतां विच मैं आप नूं अपने पुत्तर समान समझदा हाँ। इस वास्ते विछड़न तों पहलां मैं आप पास उस पुस्तक दे प्रवान करन दी प्रार्थना करदा हाँ जो मैं सारे तोहफ़ियां नालों उत्तम समझ के अपने पुत्तर नूं दिंदा हाँ। इस दुनिया ते आउण वाली दुनिया विच इह इकल्ली किताब ही सारे सुखां दी कुंजी आप नूं प्राप्त होएगी। मेरे प्यारे महाराज, आप नूं अंतम नमस्कार करदा हाँ ते प्रार्थना करदा हाँ कि सदा मेरे ते भरोसा रखना। आप दा विश्वासी मित्र डलहौजी। लार्ड डलहौजी, की तेरा ख्याल है दलीप सिंह तेनू भुला देवेगा? उसकी तो रूह भी कई जन्म तक तेरिया कीतियां नूं नहीं भुलावेगी। हिंदुस्तान तो कूच। अगले दिन 19 अप्रैल 1854 नूं महाराजा दलीप सिंह पार्टी सने वलैत जाण वास्ते कलकत्ते तो जहाजे चढ़िया। किताब दुखीए मां पुत, लेखक प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी सोहण सिंह सीतल, आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। दूजा अते आखरी भाग सुनन वास्ते यूट्यूब चैनल गुरजंट सिंह रूपवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।